चलिए मस्ती चलना चाहिए बिकॉज आज हम इकोलॉजी का सेकेंड चैप्टर भी खत्म करने वाले हैं और कल का और परसों का चैप्टर तो है ही छोटा पोल्यूशन और बायोडाइवर्सिटी तो हमने करना ही एक एक दिन में तो यार परसों अपनी इकोलॉजी खत्म हो जाएगी यस बच्चों यस कम ऑन Hi hi, guys, hi, good afternoon. Welcome, welcome, welcome to this session. And I am really glad कि आज हम लोग मिले हैं एंड जो बच्चे इस क्लास को पूरा लगाएंगे उनका चैप्टर जो है वो पूरा हो जाएगा कल हमने इको सिस्टम शुरू किया था एंड वी आर गोइंग टू फिनिश एच तो फटाफट फड़ से बता दो यार जोश हाई है बच्चों का या नहीं है है ना जोश हाई होना बनता है कैसे बताएंगे फटाफट फ़ड़ से सेशन को लाइक कर दीजिए बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर ठीक है मॉर्फोलॉजी एंड में बेटा आफ्टर पोल्यूशन यानी कि नेक्स्ट वीक जो है वो मॉर्फो एंड ए है मैं ट्वेल्थ पर रोक लगा दूंगी भैया एवोल्यूशन और स्ट्रैटेजीज वाले छुटकू छुटकू बाद में करेंगे पहले मॉर्फो एन करेंगे चलेगा चलेगा बेटा बीच में हम इलेवेंथ को घुसा देंगे स्पेशली मॉर्फो एन एनमी को घुसा देंगे ठीक है इसके बाद इकोलॉजी के बाद इलेवन ट्वेल्थ जो है वो मिक्स चलेगी क्योंकि अब हो चुकी है जिसमें से आपके सवाल आने थे सब चीजें हो चुकी हैं ठीक है बाकी एवोल्यूशन में से दो क्वेश्चन आते हैं स्ट्रेटीज में से एक क्वेश्चन आता है तो वो हम बीच बीच में कर लेंगे बिकॉज मूड को लाइट करें दौड़ेगा दौड़ेगा यस 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 प्लांट फिजियो बेटा आप अगर डिटेल में करना चाहते हैं मेरे लिंक ट्री पे कराई हुई है क्योंकि अब जो है वो थोड़ा फास्ट होगा प्लांट फिजियो जब भी होगा मैं आपको बता दूंगी बट इट विल बी फास्ट देखो यार दिन का एक ही लेक्चर ले सकते हैं ना तुम्हारे अंदर भी इतनी कैपेसिटी है चलो मैं तो दिन के तीन लेक्चर ले भी सकती हूँ मुझे फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं पढ़ना तुम तो दिन का एक ही लेक्चर ले सकते हो ना तो ये जो बच्चे भवरों की तरह आ जाते हैं कि मैम फिजियो मैम ह्यूमन फिजियो प्लांट फिजियो एक ही दिन में दस चीजें कर सकते हैं बताओ बताओ यही गड़बड़ करते हो तुम्हारे गोल गड़बड़ है गोल्स में तुम्हारे एक दिन में एक सब्जेक्ट को दो तीन घंटे से ज्यादा क्या दोगे एक दिन में सब नहीं पढ़ा जा सकता सो वी आर डूइंग फर्स्ट फिनिश इट ऐसा तो है नहीं इस पोर्शन में से क्वेश्चन नहीं आना या ये बड़ा आसान लगता है तुमको या फिर इसको छोड़ के चले जाओगे नहीं ना हर चीज करनी है हर चीज का नंबर आएगा दिन में एक ही क्लास थ्योरी की पॉसिबल है क्योंकि उसके बाद तुम्हें प्रैक्टिस भी करनी है उतना ही समय उसके बाद बेटा तुम्हें

हिसाब से टीचर नहीं करा सकता है, है ना उस वो तो दिन की एक ही क्लास थ्योरी के ले सकता है तो यार तुम्हारी मुसीबत हो सकता है कि प्लांट में है किसी की एनिमल में है किसी की बायोमोलिक्यूल्स में भैया इसी के लिए आपके लिंक टी आर डॉट डबल ई स्लैश सीप डॉट पहुजा बनाया ताकि तुम्हारी हर मुसीबत का एक ही सोल्यूशन है जाना है

क्यों नहीं करते हो तो जो चल रहा है उसे रोकिए मत अगर आपकी डिमांड कोई और है तो भैया आपके लिए पूरा बेस्ट लेक्चर्स का रिकॉर्डिंग विद डीपीपी विद पीडीएफ सब डी पी वि है 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 बेटा राइट तो लिंक ट्री पाउजा डालना है. क्या डालना क्या गूगल पे ठीक है सिंपली गूगल पे डालना है और गूगल पे डालना है लिंक ट्री सीप पाउजा तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा बस ऐसे ये देखो ये तुम गूगल पे डालोगे सीप पाउजा लिंक ट्री पहला जो लिंक आएगा वो खोल लेना पहला जो लिंक आएगा ये देखिए पहला जो लिंक आएगा वो खोल लीजिएगा और आपको इस तरीके से दिखने लग जाएगा इलेवंथ या ट्वेल्थ जो भी आप पढ़ना चाहते हैं पढ़ सकते हैं क्रैश कोर्स चाहे मत देखना भी वो थोड़ा फास्ट होगा आपको अभी स्लो की जरूरत है तो आप इलेवेंथ ट्वेल्थ वाला देख सकते हैं यस ठीक है ओके yes? okay. वही बेटा वही कह रही हूं कि सबकी मुसीबतों का हल है सीट मैम के पास सबकी मुसीबतों का हल है और क्या मुसीबत है बताओ है इसके अलावा कोई और मुसीबत है तो वो भी बता दो उसका भी हल कर देंगे बिल्कुल कर देंगे राइट right. तो आज शाम को एक बेस्ड मॉक टेस्ट होने वाला है लिंक मैंने यहाँ पर पिन कर दिया है सब बच्चों को अटेंड करना 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 ही करना है ठीक है यस yes. तो कल बेटा हमने इस चैप्टर को स्टार्ट किया था इकोसिस्टम को स्टार्ट किया था एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द नेक्स्ट पोर्शन कल हमने पहला पार्ट कर लिया था मैं आपको कल दिखाती हूँ कि हमने मोटा मोटा क्या किया था यस yes. तो यस्टरडे वे डिस्कस्ट अबाउट दिस ठीक है हमने स्ट्रैटिफिकेशन के बारे में कर लिया था स्पीशी कॉम्पोजिशन के बारे में कर लिया था जो कि स्ट्रक्चरल कॉम्पोनेंट था इकोसिस्टम का अब आज हम क्या करेंगे फंक्शनल कॉम्पोनेंट हमने प्रोडक्टिविटी कर लिया था डीकम्पोजिशन करेंगे एनर्जी फ्लो करेंगे और क्या करेंगे न्यूट्रिएंट साइक्लिंग करेंगे ठीक है न्यूट्रिय साइक्लिंग करेंगे ओके okay जी यस yes. ठीक है न्यूट्रिएंट साइकिलिंग करेंगे स्पीशी कॉम्पोजिशन में बेटा स्पीशी रिचनेस आती है कि कितने नंबर ऑफ स्पीशी हैं और स्पीशी इवननेस आती है ठीक है कि एक स्पीशी कितने तरीके का है प्लस बेटा कितने तरीके के स्पीशी उस लोकेशन में प्रेजेंट है स्पीशी इवननेस एंड स्पीशी रिचनेस ये दो चीजें आ जाती है लिखना चाहें प्रशांत आप लिख सकते हैं ओके जी चलो हाँ जी एक बात बताओ सबने ये शाम वाली क्लास में एनरोल करा कि नहीं करा शाम वाली क्लास में एनरोल करा कि नहीं करा कर लिया एवरी वन यस बेटा चलिए शुरू करते हैं हाँ जी बेटा बिल्कुल हो जाएगा आज चैप्टर खत्म क्यों नहीं होगा चलिए तो कल हमने प्रोडक्टिविटी डिस्कस कर लिया था आज अपने लोग क्या डिस्कस करेंगे डी को डिस्कस कर लेते हैं ठीक है डी देखिए डी क्या होता है जब कोई इंसान एनिमल या प्लांट की डेथ होती है उसके उसके बाद अंदर का जो ऑर्गेनिक कंपोनेंट है वो धीरे धीरे किस में कन्वर्ट होता है इनऑर्गैनिक कॉम्पोनेट में होता है इसी को अपने लोग क्या बोलते है? decomposition बोलते हैं हैं एंड डी कम्पोजिशन इज डन बाई टू सेट्स ऑफ ऑर्गेनिज्म एक होते हैं आपके डेट्रीवोर्स और एक क्या होते हैं डीकम्पोजर्स होते हैं जब अपने डीकम्पोजिशन पढ़ेंगे तो अपने तीन चीजें पढ़ेंगे इसमें सबसे पहला जो स्टेप आता है इसमें वो आता है फ्रेगमेंटेशन फ्रेगमेंटेशन का मतलब होता है किसी बड़ी चीज को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देना फ्रेगमेंटेशन फ्रेगमेंटेशन के बाद हम पढ़ेंगे इसका कैटाबॉलिज्म 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 के अंदर दो चीजें आ जाएंगी एक तो आ जाएगा ह्यूमिफिकेशन सारे टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है और क्या आ जाएगा मिनरलाइजेशन ह्यूमिफिकेशन एंड मिनरलाइजेशन देन लास्ट चीज अपने क्या पढ़ेंगे इसके बारे में लीचिंग तो ये सारे अपने कॉन्सेप्टिशन से रिलेटेड हैं इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं सबसे पहले करनी किसकी है डेड डेड एंड एंड डिकेइंग डिकेइंग मैटर मैटर की करनी है उस को अपने लोग क्या बोलते हैं डेट्रिटस बोलते हैं क्या बोलते है? बोलते हैं हैं डेट्रिटस सो दिस इज डेड एंड डिकेइंग अब सवाल बच्चा जो कंफ्यूज होता है वो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में होता है भैया जब तुम लिविंग हो यू आर लिविंग स्ट्रक्चर आपके अंदर जो मटेरियल है वो ऑर्गेनिक है जब तुम मरोगे तुम्हारी डेड बॉडी डेड बॉडी में भी अभी ऑर्गेनिक है जब तक उस पर डिकम्पोजर एक्ट नहीं करेंगे तो ये डेट्रेटस वो सामान है जिसकी डिकम्पोजिशन करनी है इट इज डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर ठीक है डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर ये प्लांट मैटर भी हो सकता है ये एनिमल मैटर भी हो सकता है इस डेड एंड डिकेइंग मैटर को अपने लोग क्या बोलते हैं डेट्रेटस बोलते हैं अब एक वर्ड इसके कंपैरिजन में आता है लिटर ठीक है बच्चा सोचता है लिटर और डेट्रेटस सेम चीज है नहीं बेटा डेट्रिटस में प्लांट और एनिमल दोनों की डेड बॉडीज आ जाती है लेकिन लेटर इज 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 द वेस्ट प्रोडक्ट नो डेड एंड मैटर ऑफ ओनली प्लांट यानी कि जो के छिलके ये सब क्या है आपके लिटर प्लांट के अगर वेस्ट की बात करें वो लिटर है लेकिन डेट्रेटस प्लांट और एनिमल दोनों के लिए टर्म यूज होती है होती है ठीक है जी यस yes? चलिए शुरू करते हैं विद फ्रैगमेंटेशन किससे शुरू करेंगे बेटा जी फ्रैगमेंटेशन

टर्माइट्स दीमक ये लोग बेटा डेड एंड डिकेइंग को खाएंगे इनकी बॉडी के अंदर उस बड़ी डेड एंड डिकेइंग के हो जाएंगे टुकड़े और जब ये लोग अपनी रिलीज करेंगे उसके अंदर फ्रेगमेंटेड पार्टिकल्स निकलेंगे तो तुम समझ रहे हो समझ रहे हो बेटा इसमें क्या हो रहा है कि एक आपके डेट्रीबोर्स है ठीक है डेट्रीबोर्स है डेट्रीबोर्स में मैं आपको बताती हूँ आपके इनवर्टिब्रेट्स है जैसे कि अर्थवॉर्म हो गया ठीक है अर्थवॉर्म इनवर्टिब्रेट है प्लस टर्माइट हो गए ठीक है इन्होंने क्या किया ऑर्गेनिक मैटर जो डेड बॉडी में था उसको खाया खाने के बाद इनकी बॉडी में उसके टुकड़े हुए और इन्होंने फिर बेटा क्या रिलीज की फेसेस रिलीज की उस फेसेस में फायदा क्या है कि जो बड़ा सा ऑर्गेनिक मैटर था एक तो उसके छोटे टुकड़े हो गए ठीक है सरफेस एरिया बढ़ गया साथ ही में क्या फायदा हुआ यार फेसेस अब ड्राई तो नहीं होती ना थोड़ी-थोड़ी यू कैन से गीलापन होता है लुब्रिकेशन होती है यानी कि पल्वराइज़ेशन पल्वराइज़ हो गया है वो सारा मैटर तो यार अर्थवम ने खाया उस डेड मैटर को और जब निकाला निकाला तो हमें क्या फायदा मिला एक तो सरफेस एरिया ज्यादा हुआ और थोड़ा गीलापन भी आ गया ये गीलापन क्यों फायदा देता है ताकि आसानी से इस पे जो अगले डीकंपोजर है बैक्टीरिया है फंजाई है बोइस पे एक्ट कर पाए देखो सोचने में थोड़ा सा तुम्हें लग सकता है कि अरे मैं ये सब क्या बातें कर रहे हैं हम कि वो खाएगा वो निकालेगा बट असल में यही हो रहा है ठीक है असल में यही हो रहा है तो यहां पर क्या हो रहा है ब्रेक डाउन किसका ऑफ ऑर्गेनिक मैटर कौन कर रहा है ये ब्रेक डाउन ये ब्रेक डाउन कर रहे हैं डेट्रीवोर्स कैसे ब्रेक डाउन करते हैं पहले ये लोग इनजेस्ट कर लेते हैं खा लेते हैं ठीक है ऑर्गेनिक मैटर को इंजेस्ट कर लेते हैं इंजेस्ट करने के बाद भैया निकालेंगे भी तो अंदर थोड़ा लेके बैठे रहेंगे तो इन्होंने बेटा जो खाया उसको निकाला ठीक है जो खाया उसको निकाला मैटर निकाला फायदा क्या हुआ भैया इनके स्टूल देखकर इनकी फेसेस देखकर फायदा ये हुआ कि जो इन्होंने खाया था उसके टुकड़े हो गए तो सरफेस एरिया बढ़ गया सरफेस एरिया बढ़ने के साथ साथ उसमें गीलापन आ गया लुब्रिकेशन आ गया इसको अपने लोग क्या बोलते हैं पलवराइज स्टेट बोलते हैं कि हो गया। अब लुब्रिकेटेड होने के बाद अपना अगला प्रोसेस स्टार्ट होगा दैट इज तो फ्रैगमेंटेशन तो ने कर दिया अब आता है उसको तोड़ने का समय ठीक है अब आता है उसको केमिकली तोड़ने का समय यानी कि बैक्टीरिया और फंजाई उस पर एक्ट करेंगे एंड द प्रोसेस ऑफ कैटाबोलिज्म ठीक है कौन करता है इट इज डन बाय डी दैट इज बैक्टीरिया एंड फंजाई अब तुमको यार बैक्टीरिया एंड फंजाई की कहानी पता है ये लोग पता कैसे एक्ट करते हैं दे रिलीज डाइजेस्टिव एंजाइम आउटसाइड देयर बॉडी उल्टी कर देते हैं किसकी डाइजेस्टिव एंजाइम की तो जो बाहर माल मसाला पड़ा है फीसिस हैं जैसे मान लो अर्थफॉर्म के फीसिज हैं बैक्टीरिया बैक्टीरिया आया, बैक्टिरिया ने अपने एंजाइम की उल्टी उस पे कर दी यानी कि अपने एंजाइम से वो उन फीसिस को क्या कर रहा है, है। न्यूट्रिय को डायरेक्टली एब्सॉर्ब कर लेंगे ठीक है तो बैक्टीरिया एंड फंजाई ने डाइजेस्टिव एंजाइम को बाहर रिलीज किया ठीक है डाइजेस्टिव एंजाइम को बाहर रिलीज किया बाहर रिलीज करने की वजह से क्या हुआ कि जो उन फीसिज में ऑर्गेनिक मैटर था देखो अर्थवॉर्म के फीसिज में था ना यस बच्चों उनकी फीसिज में ऑर्गेनिक मैटर था वो किस में चेंज हो गया इन ऑर्गेनिक मैटर में चेंज हो गया बात समझे कि नहीं फटाफट पट से सेशन को लाइक करके बताइए मैं देख रही हूं बेटा आज बच्चे ज्यादा लाइक्स कम है ऐसा क्यों ऐसा क्यों क्यों आज चैप्टर खत्म नहीं करना आज बेटा आपको एनर्जी नहीं चाहिए जैसे आपको खाना खाना पड़ता है सेशन को भी तो खाना खाना है और सेशन के लिए खाना क्या है तुम्हारा एक लाइक फटाफट से कर दो आई एम वेटिंग कम ऑन ये बच्चा क्या लिख रहा है बड़ी अजीब सी बात बच्चे ने लिख दी बच्चा कह रहा है मेक मी फील प्राउड बेटा मैं आपको प्राउड फील कराऊंगा तुम मुझे प्राउड फील कराओगे उल्टा चलेगा क्या प्रशांत कुमार आपके बेसिक्स बहुत हिले हुए हैं आप पूछ रहे हैं फ्रेश वाटर और मरीन वाटर में क्या अंतर है तो मेरे ख्याल से आपको क्लास एट या सेवेंथ में दोबारा जाना पड़ेगा बेटा इस चीज को नीट के तीन महीने पहले टेक ओवर करना ना बिल्कुल तोहिन हो जाएगी नीट एग्जाम की आप प्लीज थोड़ा सा बेसिक्स करके आइए दिस इज अ फास्ट ट्रैक रिविजन दिस इज नॉट क्लास एट्थ सेशन ठीक है एट्थ या सेवेंथ क्लास का सेशन नहीं है ये राइट और आप ऐसे डाउट को कॉपी बेस्ट कॉपी बेस्ट भी कर रहे हैं विच इज अगेन अ मैटर ऑफ गट्स ठीक है विच इज अगेन अ मैटर ऑफ गट्स लाइक करिए फटाफट से हाँ वेट कर रहे हो हाँ गिव एट बी टू मैन यस ठीक है सरफेस एरिया कैसे बढ़ा बहुत बढ़िया सवाल है बेटा जब एक बड़ा टमाटर होता है ये बड़ा टमाटर होता है इस बड़े टमाटर के तुम काट के सैलेड बना लेते हो सैलेड बना लेते हो ऐसे गोल गोल टमाटर को का ऐसे काटते नहीं है सैलेड बना लिए टमाटर के पीस आ गए तो भैया सरफेस एरिया इस गोल टमाटर का ज्यादा है या फिर ये दस पीस जो तुमने निकाले पांच पीस निकाले उसका ज्यादा है तो यार जब किसी भी चीज के टुकड़े हो जाते हैं फ्रेगमेंट हो जाते हैं तो सर्फेस एरिया तो बढ़ ही जाता है बच्चों के नहीं बढ़ता चलो कैटाबोलिज्म तो जब उसके पीसेज में से जो माल मसाला निकला उसका सर्फेस एरिया ज्यादा थे उस पर बैक्टीरिया और फंजाई ने फीड किया फीड करने के बाद उनके एंजाइम की मदद से अब जाकर ऑर्गेनिक मैटर किस में कन्वर्ट हुआ इनऑर्गेनिक मैटर में यानी कि ये किसने किया ये डीकम्पोजर ने किया ये सब करने के बाद अब ये सारा इनऑर्गेनिक मैटर कहाँ ऐड हो जाएगा सॉइल में है ना कहा ऐड हो जाएगा सॉइल में अब यार ये जो water soluble matter है वो soil की deeper layers में चला जाएगा बहुत नीचे परकोलेट कर जाएगा और उसको यूज नहीं कर पाएंगे उस प्रोसेस को अपने लोग बोलते हैं leaching. Leaching दिया हुआ है ना leaching is percolation. Percolation मतलब नीचे जाना किसका ऑफ वाटर सोल्यूबल वाटर सोल्यूबल ही जा पाएगा ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक भैया अब कुछ ऑर्गेनिक ही नहीं अब तो इनऑर्गेनिक कर दिया वाटर सोल्यूबल इनऑर्गेनिक मैटर इन ऑर्गेनिक मैटर इन डीपर इट विल बिकम अन अवेलेबल टू प्लांट्स इस प्रोसेस को अपने लोग क्या बोलते हैं लीचिंग बोलते हैं ठीक है तो बेसिक बेसिक आपको तीनों चीजें समझ आ गई फ्रेगमेंटेशन किसने की डेटरीवोर्स ने की दैट इज अर्थवॉर्म एंड टर्माइट उन्होंने कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक खाया और उसके टुकड़े करके अपनी फीसिस में निकाल दिया उन फीसिस पर कौन फीड करेंगे उन फीस पर बैक्टीरिया और फंजाई फीड करेंगे अपने एंजाइम को बाहर फेंकेंगे उनको डाइजेस्ट करेंगे और इन ऑर्गेनिक को किसमें कन्वर्ट करेंगे इनऑर्गेनिक फिर वो इनऑर्गेनिक जो वाटर सोल्यूबल है वो बेटा सॉइल के डीपर लेयर में जाकर नीचे नीचे चला जाएगा कि प्लांट उसको यूज नहीं कर पाएंगे ठीक है मोटे मोटे ही तीन टर्म्स मैंने आपको बता दी अब आता है कैटाबॉलिज्म के, के अंदर ह्यूमिफिकेशन पहले मैं इसको समझाती हूं, फिर मैं इसको इसको समझाती फिर लिखती ह्यूमिफिकेशन ह्यूमिफिकेशन क्या होता है एक वो प्रोसेस है जिसमें ह्यूमस बनता है अब ये ह्यूमस क्या है देखो यार कैटाबॉलिज्म में हो क्या रहा है ऑर्गेनिक मैटर समझना ऑर्गेनिक मैटर किसमें कन्वर्ट हो रहा है इनऑर्गेनिक अब अचानक से तो नहीं हो जाएगा बीच में एक स्टेज आएगी ना बेटा इज़ ठीक है कि अभी ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में पूरा नहीं हुआ है बीच में एक पार्शियल स्टेज आई है उस पार्शियल स्टेज पे जो मैटर है पार्शियली डिकम्पोज उसी को अपने लोग क्या बोलते हैं ह्यूमस बोलते हैं तो ह्यूमस क्या है पार्शियली आधा डीकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर देखो अगर पूरा हो जाएगा तो फिर तो वो ह्यूमस नहीं कहलाएगा जो पार्शियल में बीच में अटका हुआ है अभी हो रहा है उसको अपने लोग क्या बोलते हैं ह्यूमस या फिर उस प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन को बोलते हैं ह्यूमिफिकेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा ह्यूमस में से सवाल आता है ह्यूमस में से सवाल आता है तो ह्यूमिफिकेशन होता है फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमस ठीक है ठीक है ह्यूमस क्या है

यहाँ पर प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन भी बड़ा स्लो हो जाता है तो इट इज रेजिस्टेंट टू हाईली रेजिस्टेंट टू माइक्रोबियल एक्टिविटी इसके ऊपर बैक्टीरिया फंजाए आसानी से एक्ट नहीं करेंगे करेंगे बट आसानी से नहीं करेंगे इस समय रेट ऑफ डिकम्पोजिशन हो तो रही होती है लेकिन स्लो हो जाती है तो स्लो रेट ऑफ डिकम्पोजिशन होता है स्लो रेट ऑफ डिकम्पोजिशन होता है अब ह्यूमस दिखता कैसा है ह्यूमस बेटा वही है जो टॉप लेयर में पाया जा रहा है जो सॉइल की बेटा टॉप मोस्ट लेयर में पाया जा रहा है एक पाउडर सा सब्सटेंस होता है पाउडर यानी कि ए सब्सटेंस है कोलॉइडल इसका नेचर है थोड़ा थोड़ा एसिडिक होता है एसिडिक स्लाइटली ठीक है कैसा रंग होता है मिट्टी का जो ऊपर ऊपर प्रेजेंट होती है डार्क लेअर्ट so it is the dark colored amorphous colloidal slightly acidic substance इसकी इसकी बेटा इम्पॉर्टेंस इतनी ज्यादा है कि सॉइल की फर्टिलिटी ऐड करने वाला यही है यानी कि ये सॉइल को क्या बनाता है ये सॉइल को बनाता है फर्टाइल कैसे क्यों क्यों भैया ये इतना ज्यादा फर्टाइल बनाता है क्योंकि इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी पानी को पकड़ के रखने की क्षमता बहुत ज्यादा है हाई वॉटर होल्डिंग कैपेसिटी ठीक है हाई वाटर होल्डिंग कैपेसिटी तो भैया ध्यान से सुनो जब कैटाबॉलिज्म हो रही थी जब ऑर्गेनिक मैटर इन ऑर्गेनिक में चेंज हो रहा था तो बीच में एक स्टेज आती है जब अभी पार्शियल डिकम्पोजिशन हुई है इस समय माइक्रोबियल एक्टिविटी थोड़ी स्लो हो जाती है ये इतना यू नो रिस्पॉन्स नहीं देता है डिकम्पोजिशन भी स्लो हो जाएगी इस समय और ये सबसे ज्यादा फर्टाइल बनाने के लिए सॉइल को रिस्पॉन्सिबल है टॉप लेयर में प्रस्तुत होता है यानी कि इसके अंदर अभी बड़े सारे न्यूट्रिएंट्स हैं यस तभी ह्यूमस को बोला जाता है क्या बोला जाता है भैया इट इज आल्सो कॉल्ड एज रेजरवायर ऑफ न्यूट्रिएंट्स यस ह्यूमस को ही क्या बोला जाता है रेजरवायर ऑफ न्यूट्रिय या फिर रेजरवायर ऑफ मिनरल्स न्यूट्रिय मिनरल्स एक बात है ठीक है जी यस yes, बात समझ आई ठीक है बताइए तो जो बीच की पार्शल स्टेज है दैट इज ह्यूमस ह्यूमस बनने का प्रोसेस होता है ह्यूमिफिकेशन जी, सिंपल सिंपल सी बातें हैं। अगर आप मेरी हर लाइन ध्यान से सुनेंगे आपको एक एक चीज समझ आएगी बस आपको अपने आंख कान, ना खुले रखने आंख कान, ना खुले कि नहीं है पानी पीते रहो बेटा बीच बीच में बहुत बढ़िया सवाल है

वो तो क्वेश्चन चलो गलत हो नहीं होने ये तो ये साथ में गलत हो जाएंगे है ना हर चैप्टर को इक्वल इंपॉर्टेंस दिया करो अब अगला जो कॉन्सेप्ट आता है अगला जो कॉन्सेप्ट आता है दैट इज कॉल्ड एज मिनरलाइजेशन यस ह्यूमिफिकेशन से लिंक है बेटा अब ह्यूमिफिकेशन में क्या हो रहा था कि पार्शियली डिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर ऑर्गेनिक मैटर है कभी तो धीरे धीरे जाए कभी तो ऑर्गेनिक से इनऑर्गेनिक में कन्वर्ट होगा है ना यानी कि ह्यूमस का जो ऑर्गेनिक मैटर है वो स्लोली डी होकर क्या बना रहा है इनऑर्गेनिक मैटर बना रहा है क्या ऐड कर रहा है सॉइल में मिनरल्स ऐड कर रहा है इसी को अपने लोग क्या बोलते हैं मिनरलाइजेशन बोलते हैं तो क्या हो रहा है इट इज द स्लो डिकोजिशन स्लो ही होगी ना स्लो डिकम्पोजिशन ऑफ

यानी कि ये जो न्यूट्रिएंट्स वो बैक्टीरिया और फंजाई की बॉडी के अंदर भी तो जाएंगे Soil में जाने की जगह न्यूट्रिएंट्स बैक्टीरिया और के अंदर भी तो जाएंगे तुम्हें क्या लगता है बैक्टीरिया और फंजाई ने एनजीओ खोल रखा है फ्री में करता है वो सारा काम हां भैया मैं तुम्हारे ऑर्गेनिक को इन ऑर्गेनिक में भी कर दूंगा और खुद भी नहीं खाऊंगा खुद खाएगा कि नहीं खाएगा यस yes, फ्री में तो काम नहीं करता ना कोई Soil में हो लेकिन वो खुद भी खा रहा है तो जो बैक्टीरिया और तो न्यूट्रिय तो अब सॉइल में नहीं है बैक्टीरिया और फंजाइक एब्सॉर्ब कर चुके हैं दिस इज कॉल्ड एज न्यूट्रिय मोबिलाइजेशन तो एक टर्म बड़ी इंपॉर्टेंट है इस टर्म का नाम है न्यूट्रिय मोबिलाइजेशन इमोबलाइजेशन इमोबाइल मतलब अब वो न्यूट्रिएंट्स सॉइल में नहीं है बैक्टीरिया बन जाए खा गए ठीक है यानी कि दिस इज द अमाउंट ऑफ़ ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक तो आप बोलेंगे इनऑर्गेनिक मैटर या फिर न्यूट्रिएंट्स जो कि सॉइल में नहीं है जो कि माइक्रोब्स में है इनसाइड द बॉडी ऑफ माइक्रोब्स भैया इस समय क्यों कॉल करते हो ये बताओ इस समय कौन कॉल करता है

फीसेस के ऊपर रह रहा है तो कुछ सोच के रह रहा है ना ऐसे थोड़ा कोई कोई भी किसी की पॉटी पे सर्वाइव कर लेगा नहीं उसको कोई बेनिफिट मिल रहा है वो यहाँ पर एनजीओ खोल के फ्री में काम नहीं कर रहा था कि सॉइल के लिए कर रहा हूँ वो अपने लिए काम कर रहा था बाय चांस सॉइल के लिए हो जाता है तो जब वो अपने लिए काम कर रहा था उन्होंने उसने उन न्यूट्रेंट्स को एब्सॉर्ब किया सॉइल की जगह वो न्यूट्रिएंट्स उसकी बॉडी में गए यानी कि अब वो न्यूट्रेंट सॉइल के लिए एम मोबाइल न्यूट्रिय हैं ओके चलिए सो विद दिस वी आर डन विद द प्रोसेस ऑफ डीकंपोजिशन फ्रैगमेंटेशन कैटाबोलिज्म एंड लीचिंग नेक्स्ट आता है फैक्टर्स अफेक्टिंग डीकंपोजिशन फैक्टर्स अफेक्टिंग डीकंपोजिशन यस देखो कुछ मटेरियल ऐसा होता है जो कि फास्टली डीकंपोज होता है कुछ मटेरियल ऐसा होता है जो कि स्लोली डीकंपोज होता है तो यार अब जो मैं पांच पॉइंट लिखवाऊंगी बेटा

तो सबसे पहली चीज जो डिकम्पोजिशन को अफेक्ट करती है वो करती है केमिकल नेचर ऑफ डेट्रेटस केमिकल नेचर ऑफ डेट्रिटस कि भैया डेट्रिटस किससे बना हुआ है हाँ जी तो दो तरीके केमिकल्स बताऊंगी देखिए डिकम्पोजिशन का रेट स्लो होगा अगर डेट्रिटस बना हुआ काइटन से भैया काइटन किसका होमोपॉलीमर है एन एसिटाइल ग्लूकोसाम नाग है ना नाग तो स्लो होगी अगर काइटिन होगा लिग्निन भी बड़ा हार्ड मटेरियल है लिग्निन वाले में भी स्लो होगी टैनिन वाले में भी क्या होगी स्लो होगी सेल्यूलोस वाले में भी क्या होगी स्लो होगी रेट ऑफ डिकम्पोजिशन फास्ट कब होगा फास्ट तब होगा जब जो मरा हुआ सामान है वो किससे बना हुआ है नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड नाइट्रोजनस कंपाउंड होंगे तो फास्ट होगा और बेटा वॉटर सोलिबल चीजें होंगी वॉटर सोलिबल कार्बोहाइड्रेट है वाटर सोलबल शुगर्स हैं तो बेटा रेट ऑफ डिकम्पोजिशन क्या होगा फास्ट होगा ठीक है तो नाइट्रोजनस कंपाउंड में फास्ट है और वाटर वाले में फास्ट है अब तुम खुद बताओ नेक्स्ट इज टेम्परेचर इज गोइंग टू बी टेम्परेचर आप खुद बताइए टेम्परेचर फास्ट होगा तो डी टेम्परेचर ज्यादा होगा तो डिकम्पोजिशन ज्यादा होगी या स्लो होगा लो होगा तो डिकम्पोजिशन ज्यादा भैया पूरा का पूरा डिकम्पोजिशन का प्रोसेस एंजाइम डिपेंडेंट है

ठीक है क्यों क्योंकि उसमें एंजाइम्स काम नहीं कर सकते स्नो के अंदर टेम्परेचर इतना लो है कि बॉडी डिकम्पोज नहीं हो पाएगी वो चीज वैसी की वैसी पड़ी रहेगी लेकिन आपको अगर डिकम्पोजिशन करानी है तो थोड़ी गर्माहट देनी पड़ेगी और ऑप्टिमम वार्म कंडीशन रखनी पड़ेगी क्योंकि लो टेम्परेचर पर डिकम्पोजिशन स्लो हो जाती है अब सवाल आता है क्या ये डिकम्पोजिशन का प्रोसेस ऑक्सीजन के बिना होता है या ऑक्सीजन के साथ होता है तो याद रखेंगे इसमें ऑक्सीजन भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ऑक्सीजन तो यूज हो रहा है में क्या होगी स्लो होगी यस बच्चों हाँ कैप्टन अमेरिका स्क्रीनशॉट उठाना है वाह क्या लाइन लिखी है किसने साहिल बिश्ट, साहिल भट्ट ने स्क्रीनशॉट इनको उठाना है बेटा उठा लो ये लो उठा लो ना यहां से कैसे उठाओगे जैसी भी लेके आओगे भैया मैं सारे नोट्स अपने टेलीग्राम पे देती हूँ पाउजा बायोलॉजी के नाम से एक लाख उनतीस हजार से ज्यादा बच्चे उसमें प्रेजेंट हैं आप वहां से स्क्रीनशॉट शॉट पूरा का पूरा पीडीएफ उठा सकते हैं उठा सकते हैं खुद कुछ लिख रहे हो कि नहीं लिख रहे हो मैं अपनी क्लास में सबको कहती हूँ पीपीएफ लेके आना है पीपीएफ लेके आना है, है? तो पीपीएफ ने लेके स्क्रीनशॉट उठाने आ गए हैं यहाँ से बेटा क्या करोगे आपकी ना फोन की मेमोरी भर जाएगी मैं बता रही हूँ ज्यादा से ज्यादा पीडीएफ रख लो बट स्क्रीनशॉट कौन रखता है यार खुद क्या कर रहे हो बैठ के हाथ क्या कर रहे हैं तुम्हारे हैं हाथ किस में लगे हुए हैं यस देखिए जब तक खुद नोट्स नहीं बनाएंगे तब तक बात नहीं बनेगी और स्क्रीन शॉटों से तो बिल्कुल बात नहीं बनेगी वर्स्ट मेथड यस बेटा कभी स्क्रीनशॉट मत उठाइए चलिए लास्ट जो प्रोसेस है दैट इज सॉइल मॉइस्चर लास्ट फैक्टर इज मॉइस्चर ठीक है का मॉइस्चर हाई हो रहा है है गीले एरिया में फास्ट होगी जो ड्राई रीजन उसमें डीकम्पोजिशन स्लो होगी सो इट शुड बी हाई ड्राई कंडीशन में डीकम्पोजिशन स्लोज डाउन ओके जी सो विद दिस वी आर डन विद द सेकेंड पार्ट ऑफ द फंक्शनैलिटी ऑफ इकोसिस्टम जिसमें अभी हमने प्रोडक्टिविटी कर लिया है और डिकम्पोजिशन कर लिया है अब हम अगला करने वाले हैं एनर्जी फ्लो रेडी फॉर एनर्जी फ्लो बेटा रेडी फॉर एनर्जी फ्लो चलिए आ जाइए। सारे नोट्स देती हूं बेटा। स्क्रीनशॉट उठाने की कोई जरूरत नहीं है ओके यस चलिए पेन उठाइए हाँ हा, सही कह रहा है एक बच्चा। कि भैया पेन उठाइए उठाना तो ठीक है स्क्रीनशॉट मत उठाइए नेक्स्ट स्टार्टिंग विद एनर्जी फ्लो हाँ जी एनर्जी फ्लो एनर्जी किस तरीके से फ्लो होती है बताओ अल्टीमेट प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी इज कौन है विश्व में मेनली एनर्जी सब किस से लेते हैं सन से लेते हैं सन इज द प्राइम सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल एक्सेप्ट एक्सेप्ट बेटा एक्सेप्ट सन सबके लिए प्राइम सोर्स ऑफ एनर्जी है एक ऑर्गेनिज्म को छोड़ के एक्सेप्ट बेटा डीप सी हाइड्रोथर्मल क्योंकि में, सन अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी वहां अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी प्रोड्यूसर वहां पर मेनली कंज्यूमर और डीकम्पोजर ही रहते हैं और वो प्रोड्यूसर के ऊपर फीड करते हैं तो सन एक अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है एक्सेप्ट एक्सेप्ट बेटा आपके डीप सी हाइड्रोथर्मल से जितनी टोटल सोलर रेडिएशन आई क्या प्लांट सारी के सारी कर सकता है बता। क्या प्लांट सारी के सारी कर सकता है? नहीं प्लांट है। नहीं बेटा उसका करता यानी कि टोटल सोलर रेडिएशन का ध्यान देना बेटा ये थोड़ा सा मैथ से टोटल सोलर रेडिएशन का लेस देन फिफ्टी इज पार पार क्या होता है फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन लिखो बेटा मैं नहीं लिखूंगी बार फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन यानी कि जितना सन ने फेंका उसका लेस लेन परसेंट इज पार अब यार प्लांट को तो लेस देन लेसेंट मिला बट क्या प्लांट ने सारे के सारे का प्रोडक्टिविटी कर लिया नहीं इस लेस देन फिफ्टी परसेंट का भी लेस देन फिफ्टी परसेंट का भी ओनली ओनली टू टू टेन परसेंट ऑफ पार एक्चुअली कन्वर्टेड टू जी पी पी एक्चुअली कन्वर्टेड टू जी पी पी समझ रहे हो टोटल मान लो हंड्रेड था हंड्रेड का पचास उसने उस तक पहुंचा उस पचास का भी दो से दस परसेंट ही प्लांट ने कन्वर्ट किया इन टू जी पी पी अगर ये इस पचास का दस परसेंट है तो टोटल का कितना परसेंट हो जाएगा टोटल का तो वन टू टेन वन टू फाइव परसेंट हो जाएगा वन टू फाइव परसेंट ऑफ टोटल टोटल रेडिएशन

थ्यूरी ये मैथ समझ आ गया बेटा सबको हां जी अभी जो फ्लो ऑफ एनर्जी है वो एक ही दिशा में फ्लो करता है सन से आई प्रोड्यूसर प्रोड्यूसर से जाएगी कंज्यूमर कंज्यूमर से जाएगी आगे आपके कार्निवोर टॉप कार्निवोर यानी कि जो फ्लो है वो कैसा है वो है बेटा जी यूनिडायरेक्शनल कैसा फ्लो है बेटा जी यूनी डायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी है एंड दिस इज इन कॉन्टेक्स्ट विद द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एनर्जी कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इट कैन ओनली बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर जो कि बिल्कुल सच बात है प्लांट जो है, वो सोलर एनर्जी को कन्वर्ट कर रहे हैं केमिकल एनर्जी एनर्जी में। तो यार फर्स्ट लॉ ऑफ सही बैठा कि नहीं बैठा? कि कि नहीं बी क्रिएटेड नॉर प्लांट को क्या बोलते हैं बच्चों बताओ यस yes, इसीलिए प्लांट को क्या बोलते हैं बताओ 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 क्या बोलते हैं क्योंकि वो कन्वर्ट कर सकते हैं कल बताया था यस yes. क्योंकि वो कन्वर्ट कर सकते हैं बेटा यशिका क्लास में पढ़ने के लिए आते हैं लिंक चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ ठीक है जी आप लेना चाहें ले सकते हैं टेस्ट सीरीज अथर विजन ऑनलाइन टेस्ट सीरीज बाकी मैंने ऑफलाइन मॉक टेस्ट भी आपके लिए रिलीज किए हैं यस yes. हाँ, इसीलिए प्लांट को क्या बोलते हैं बच्चों ट्रांसड्यूसर्स बोलते हैं क्या बोलते हैं ट्रांसड्यूसर्स बोलते हैं चलिए तो एनर्जी फ्लो का ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया इसके आगे बढ़ने से पहले मुझे आपको बताना है कॉन्सेप्ट ऑफ फूड चेन एंड फूड वेब ठीक है बच्चों यस अब ये फूड चेन क्या है फूड वेब क्या है देखिए फूड चेन क्या है इट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन लेवल टू अनदर उन लेवल्स को अपने लोग बोलते हैं ट्रॉफिक लेवल ठीक है जी अब क्या फूड चेन एक सच में एग्जिस्ट करती है देखिए बेटा फूड चेन अपने आप में एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है एक अकेली फूड चेन कहीं एग्जिस्ट नहीं करती ना फूड चेन का ना इंटरकनेक्शन एग्जिस्ट करता है अब जैसे मान लो स्पैरो है स्पैरो है तुमने इस फूड चेन में बोल दिया कि भैया स्पैरो पता है क्या खा रही है सीड को खा रही है सीड को खा रही है जरूरी थोड़ा पैरों हमेशा को खाएगी हो सकता है उसको नीचे पड़ी हुई कीड़ी मिल जाए एंट मिल जाए इंसेक्ट मिल जाए कोई और उसको भी तो खा सकती है यानी कि फूड फूड चेन चेन एक अकेली चेन, एक अकेली में एक में इकोसिस्टम नहीं चलती है वो एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है एक्चुअल में बड़ी सारी फूड चेन बेटा आपस में मिक्स होके चलती है तो वैसे बता देते हैं फूड चेन क्या होता है इट इज अ रिप्रेजेंटेशन रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी ठीक है इन वेरियस लेवल्स और उन लेवल्स को क्या बोलते हैं बच्चों ट्रॉफिक लेवल क्या बोलते हैं ट्रॉफिक लेवल असल में वैसे इको सिस्टम में कौन एग्जिस्ट करता है फूडवेर बिकॉज इट इज मोर स्टेबल इट इज मोर स्टेबल दैट इज इंटरकनेक्टेड इंटरकनेक्टेड नेटवर्क ऑफ फूड चेन ऑफ फूड चेन दिस इज कॉल्ड एज फूड जब एनर्जी ट्रांसफर हो रही होती है एक ट्रॉफिक लेवल से अगला तो यार ऐसा नहीं होता कि जितनी एनर्जी है वो सारी की सारी आगे चली जाएगी उसका कुछ प्रतिशत हिस्सा ही अगले लेवल पर जाता है बाकी तो इट इज लॉस्ट एज रेस्पिरेटरी लॉस इट इज इट बिकम्स पार्ट ऑफ द बायोमास यानी कि सारा का सारा आगे नहीं जाता सिर्फ कुछ प्रतिशत जाता है और उसको बोलते टेन परसेंट एट इट इज कॉल्ड एज टेन परसेंट लॉ और ये लॉ किसने दिया था लिंडमैन ने दिया था किसने दिया था बच्चों ये लॉ ने यह लॉ दिया था इस लॉ को अपने लोग क्या बोलते हैं टेन परसेंट लॉ ये लॉ कहता है कि जितनी एनर्जी प्रोड्यूसर के पास है ये देखो कौन सी आ ये कहता है कि जितनी एनर्जी प्रोड्यूसर के पास है उसका सिर्फ दस प्रतिशत हिस्सा हरबी बोर को जाएगा उसका सिर्फ दस प्रतिशत हिस्सा बेटा सेकेंडरी कंज्यूमर ही आएगा उसके पास जाएगा और उसका सिर्फ दस प्रतिशत प्रतिशत तो हिस्सा टर्शरी कंज्यूमर के पास जाएगा यानी कि सारी की सारी एनर्जी अगले लेवल पर नहीं जाती है सिर्फ कितना परसेंट जाता है टेन परसेंट टेन परसेंट टेन परसेंट जस्ट फॉर एन एग्जांपल एग्जांपल बेटा प्लांट के अंदर कितनी एनर्जी है एग्जांपल के तौर पे लिखिए प्लांट के अंदर है एक हजार किलो कैलरी तो भैया हर भी वोर तक कितनी जाएगी बताओ हर बी बोर तक कितनी जाएगी यस yes. सब अच्छे आंसर देंगे मुझे चार्ट में एवरी वन विल गिव मी आंसर इन द चार्ट सेक्शन हर बी बोर में कितनी जाएगी यस yes. 10 of thousand, एक जीरो हट जाएगा कितनी 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 जाएगी? जाएगी अगर हम पूछे तक तक तुम बोलोगे? कंज्यूमर ही सिर्फ 10% इज हंड्रेड टेन परसेंट ऑफ हंड्रेड इज टेन टेन परसेंट ऑफ टेन इज वन ठीक है अब ये कहते हैं कि अगर इस तरीके से एनर्जी का लॉस होता जा रहा है हर ट्रॉफिक लेवल पे लॉस होता जा रहा है और आने वाले को कम मिल रही है तो क्या फूड चेन में अनलिमिटेड ट्रॉफिक लेवल हो सकते हैं आठ ट्रॉफिक लेवल है दस है पंद्रह है, है नहीं बेटा मैक्सिमम ट्रॉफिक लेवल जो पॉसिबल है यस मैक्सिमम ट्रॉफिक लेवल जो कि एक फूड चेन में पॉसिबल है वो सिर्फ कितने हैं पांच ऐसा क्यों क्योंकि पांच के बाद चलोगे तो यार उसके बाद एनर्जी जो है वो बिल, बिल्कुल खत्म हो जाएगी कुछ बचेगा ही नहीं आगे वाले को देने के लिए जब बचे नहीं रहा तो कैसे उसको सरवाइव कराएंगे ठीक है तो मैक्सिमम ट्रॉफिक लेवल कितने हैं पांच नेक्स्ट आ जाते हैं टू द टाइप्स ऑफ फूड चेन दो तरीके का फूड चेन कराऊंगी यस मेनली दो तरीके का है वन इज कॉल्ड एज ग्रेजिंग फूड चेन अदर वन इज कॉल्ड एज डेट्रिटस फूड चेन यस पहला वाला कौन सा है ग्रेजिंग फूड चेन फूड चेन को मैं एफ सी लिखूंगी एंड डेट्रिटस फूड चेन देखिए इनका शॉर्ट फॉर्म भी है दिस इज जी एफ सी दिस इज डी एफ सी ठीक है एफ नहीं है ठीक है किसी का मन के खाने का नहीं होना चाहिए this is GFC, this is DFC. Okay, grazing and सारी चीजें बेटा रिवाइज करा रहे हैं आपको. Grazing food chain, grazing हैं. आपको. पहले से शुरू करते की जो starting है, वो किससे होती है सन से होती है, है. किससे होती है बेटा सन से जबकि डेट्रिटस फूड चेन की जो स्टार्टिंग है वो किससे होती है सन से नहीं होती डेट्रिटस से होती है

अगर प्रोड्यूसर से स्टार्ट हो रही है तो प्रोड्यूसर तो सन से एनर्जी लेते हैं जबकि यहां पर ऐसा कुछ नहीं है डेट्रिटस डेट रिवोर्स के लिए सोर्स ऑफ एनर्जी इज नॉट सन नेक्स्ट आता है इन केस ऑफ ग्रेजिंग फूड चेन टेन परसेंट लॉ इज एप्लीकेबल यहां तुम लगा सकते हो कि दस परसेंट अगले के पास गया फिर दस परसेंट अगले के पास यहाँ पर टेन परसेंट लॉ इज नॉट 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 एप्लीकेबल वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट डेट्रिटस में टेन परसेंट लॉ इज नॉट एप्लीकेबल ओके चलिए नेक्स्ट चलते हैं ग्रेजिंग फूड चेन की दो टाइप्स जीएफसी दो जगह हो सकती है एक तो लैंड पर हो सकती है और एक पानी में हो सकती है अक्वाटिक भी हो सकती है पानी के अंदर और क्या हो सकती है टेरिस्ट्रियल भी हो सकती है जरा एक फूड चेन बताओगे अक्वाटिक फूड चेन अक्वाटिक फूड चेन में प्रोड्यूसर कौन होते हैं बताओ तुम लोग बताइए अक्वाटिक फूड चेन में प्रोड्यूसर कौन होते हैं ये कौन बच्चे हैं जो क्लास के बीच में फोन करने में लगे रहते हैं है भाई इनको नहीं पता क्लास हो रही है हां जी बिल्कुल सही है प्रोड्यूसर कौन होते हैं फाइटो प्लैंगटॉन यस। yes. तो क्वेटिक फूड चेन चालू होगी फाइटो से यानी कि ये ट्रॉफिक लेवल नंबर वन है ये प्रोड्यूसर हैं। इनको कौन खाएंगे जू प्लैंकटॉन जू को कौन खाएगा छोटी मछली स्मॉल फिश छोटी मछली को कौन खाएगी बड़ी मछली लार्ज फिश ऐसा नीट में होता है ना छोटी मछलियों को बड़ी मछलियां खा जाती हैं। छोटी मछली वो है जिसने अब तक कुछ नहीं पड़ा है बड़ी मछली वो है जो दो साल से लगी हुई है बड़ी मछली आके छोटी मछलियों को कब खा जाएगी पता भी नहीं चलेगा देन अदर टेडिस्ट्रियल फूड चेन इट स्टार्ट विद प्रोड्यूस क्या कहते हैं ग्रास ठीक है ग्रास को कौन खाएगा ग्रास हॉपर ग्रास हॉपर को कौन खाता है फ्रॉग फ्रॉग को कौन खाता है स्नेक स्नेक को कौन खाता है Eagle. ठीक है अब सवाल आता है कि जीएफसी में भी ज्यादा मेजर कौन सी है अक्वाटिक है या फिर टेरिस्ट्रियल है देखो दो चीजें लिखती हूं मैं एक तो जीएफसी और एक डीएफसी ग्रेजिंग फूड चेन एंड डेट्रेटस फूड चेन हाँ जी ज्यादा मेजर कौन सी है ज्यादा मेजर कौन सी है जीएफसी की बात करें तो यार इसमें पानी में भी चल रही है जीएफसी लैंड में भी चल रही है बट द मेजर वन इज द मेजर वन इज जो पानी में चल रही है मेजर वाली कौन सी है अक्वाटिक है और डेट फूड चेन की बात करें तो यार यहाँ पर जो मेजर है वो कहाँ चल रही है लैंड पर क्योंकि पानी के अंदर डिकम्पोजिशन नहीं होता है ठीक है मेनली जो डिकम्पोजिशन होता है वो कहा होता है लैंड पर तो जीएफसी मेनली अक्वाटिक कॉन्ट्रीब्यूट करेगा और डीएफसी लैंड वाला टेरिस्ट्रियल कॉन्ट्रीब्यूट करेगा ओके okay जी क्या ये बात समझ आई बात समझ आई एक बार मैं डेट्रिटस फूड चेन आपको यहीं पे बनाकर दिखा देती हूँ जैसे अपने पास डेट्रिटस है ये प्रोड्यूसर से तो स्टार्ट नहीं होती किससे स्टार्ट होती डेट्रिटस से डेट्रिटस पे कौन कंज्यूम करेंगे अर्थफॉर्म डेट्रीवोर्स डेट्रीवोर्स वन ऑफ द एग्जाम्पल इज अर्थव ठीक है डेट्रीवोर्स पे कौन सर्वाइव करेगा बर्ड बर्ड किस बर्ड को कौन खाएगा बड़ा बर्ड फैल्कॉन यस सबको पता है फैलकॉन क्या है डू यू नो आई जस्ट गॉट माई पिक्चर विद फैलकॉन लेट मी शो यू एक मिनट रुकिए दिखाऊं फैलकॉन फैलकॉन एक बड़ा बर्ड है यस yes. जिसके लॉन्ग पॉइंटेड विंग्स होते हैं ओके सो फोटो दिखाऊं मैं बहुत ही फनी फोटो है वैसे बट इट वॉज माई हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस विद फैलकन मैं आपको फैलकन दिखाती हूँ ओके okay. दिख रहा है लेट मी जस्ट ओपन इट इन आवर सेशन ये है फैलकन बच्चों इसके नाम से ना मुझे याद आ गया ये देखिए दिस इज अ फैलकन देख रहे हो हाँ जी ये है अपना फैल्कन तो ये खाता है बेटा उसको ये किसको खाता है ये किसको खाता है आपका बर्ड को बर्ड छोटे बर्ड को छोटी छोटी चिड़िया उनको खा सकता है यस yes, ये देखिए ये लीजिए मैं साइड हट जाती हूँ देख लो है ना चलिए बढ़िया है ओके तो यार पता चल गया डेटरेटस फूड चेन अब तुम डेटरेटस फूड चेन कभी नहीं भूलोगे है ना नाउ यू वोंट फॉरगेट दिस फूड चेन फोर्चेन डेटरेटस बाय डेट्रीवोर्स डेट्रीवोर्स के बाद स्मॉल वर्ड एंड देन अल्टीमेटली द बिगर बर्ड ठीक है चलिए एक और फूड चेन होती है जो कि इतना सिलेबस में नहीं है बट फिर भी आपको नाम पता होना चाहिए दैट इज पैरासिटिक फूड चेन

ठीक है बैक्टीरिया सर्वाइव करता है विच बिकम्स द हाइपर पैरासाइट ठीक है विच बिकम्स द हाइपर पैरासाइट अब इन बैक्टीरिया के ऊपर कई बार वायरस सर्वाइव करते हैं तो वो हाइपर हाइपर पैरासाइट हो जाएगी ओके जी चलिए तो ये बात हो गई आपकी पैरासिटिक की बेटर रियल है हाय राम कुछ बच्चे कह रहे हैं है, मैम ये फेक है नहीं बेटा ये जो मैंने आपको यहाँ पर दिखाया है ये रियल बर्ड है और ये रियली मेरे ऊपर बैठा है मैं आपको ना इसकी वीडियो आज डाल दूंगी टुडे आई विल पुट वीडियो ऑन इंस्टाग्राम एंड देन आई विल शो यू कि यस इट इज रियल रियल है बेटा ऐसो ना कि डमी अपने ऊपर बिठा के फोटो करा ली no है नो गाइज दिस इज रियल मैन आई वेंट टू दुबई दुबई में बेटा होते हैं एंड वहाँ पर आपके कंधे पे बैठेगा यहाँ बैठेगा सर पे भी बैठ सकता है तो मैं आपको उसकी वीडियो भी दिखाऊंगी यस yes, कोई भी डेड बॉडी हो वो इसी तरीके से डिकम्पोज होता है चलिए अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको दो चीजों के बारे में डिफरेंस बताना चाहती हूँ एक वर्ड आता है स्टैंडिंग स्टेट दूसरा आता है स्टैंडिंग क्रॉप ठीक है जी बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं आपको पता होने चाहिए स्टैंडिंग स्टेट एंड स्टैंडिंग क्रॉप स्टैंडिंग स्टेट एंड स्टैंडिंग क्रॉप ठीक है स्टैंडिंग स्टेट क्या होता है स्टैंडिंग स्टेट होता है अमाउंट ऑफ इनऑर्गेनिक मैटर इनऑर्गेनिक ठीक है अमाउंट ऑफ इनऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन इकोसिस्टम पर यूनिट टाइम पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया यानी कि एक एरिया के अंदर एक समय में कितना इनऑर्गेनिक मैटर है उसको अपने लोग बोलते हैं स्टैंडिंग स्टेट बड़ा इंपॉर्टेंट है स्टैंडिंग क्रॉप क्या होगा अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक कॉन्टेंट एक समय में एक जगह पर कितना ऑर्गेनिक कंटेंट है उस इकोसिस्टम में उसको अपने लोग बोलते हैं स्टैंडिंग क्रॉप तो क्रॉप हो गया ऑर्गेनिक स्टेट हो गया इनऑर्गेनिक अब कैसे पता लगाओगे कि क्या ऑर्गेनिक है और क्या इनऑर्गेनिक है तो यार मैं आपको बताऊं द अमाउंट ऑफ बायोमास अमाउंट ऑफ बायोमास से पता लगा सकते हो कि कितना उसमें स्टैंडिंग क्रॉप है या फिर तुम काउंट कर लो नंबर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म काउंट कर लो तो भी तुमको पता चल जाएगा आपका स्टैंडिंग क्रॉप उस जगह का कितना है ज्यादा रेलिवेंट कौन सा है ज्यादा रेलिवेंट है अमाउंट ऑफ अमाउंट ऑफ बायोमास दिस इज मोर रेलिवेंट ठीक है बायोमास काउंट करना मोर रेलिवेंट है ओके यस अमाउंट ऑफ लिविंग बायोमास क्रॉप तो में आ जाएगा ऑर्गेनिक मैटर ऑर्गेनिक मैटर जीवित व्यक्तियों के पास ही होता है और स्टैंडिंग स्टेट में क्या आ जाएगा आपका इनऑर्गेनिक मैटर चलो अब कुछ सवाल रिलेटेड टू फूड चेन बेसिक नॉलेज ऑफ फूड चेन बेटा आपको होनी चाहिए सम जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है जो आप मॉर्फोलॉजी में भी पढ़ते हैं हां जी आपको मैं क्वेश्चन देती हूँ कि यार एक इंसेक्टिवोरस प्लांट है जैसे कि पिक्चर प्लांट आप पढ़ते हैं इस इंसेक्टिवोरस प्लांट ये कितने ट्रॉफिक लेवल पर आता है क्या ये एक ही ट्रॉफिक लेवल पर आएगा या मोर देन वन पे आएगा अगर मोर देन वन पे आएगा तो कोई दो ट्रॉफिक लेवल बताओ जिसपे इंसेक्टिवोरस प्लांट्स होते हैं यस yes, बताइए ट्रॉफिक लेवल लेवल या लेवल्स बताइए इंसेक्टिवोरस के वेरी गुड वेरी गुड क्या एक पे ही होगा या दोनों पे होगा अगर दो पे है तो वो दो लेवल कौन से हैं क्या इंसेक्टिवोरस प्लांट फोटोसिंथेसिस नहीं करते हैं यस जो वन बोल रहे हैं क्या इंसेक्टिवोरस प्लांट फोटोसिंथेसिस नहीं करते हैं बेटा जी इंसेक्टिवोरस प्लांट फोटोसिंथेसिस तो करते ही है तो टी वन पे तो है ही है लेकिन लेकिन ये लोग इंसेक्ट को कंज्यूम करते फॉर दर नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट नाइट्रोजन डेफिशिएंसी के लिए तो यार अगर ये इंसेक्ट को कंज्यूम करेंगे तो इंसेक्ट टू पे आता है तो ये थ्री पे आ जाएंगे है ना तो एंड थ्री वुरस प्लांट्स नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट इज द ट्रॉफिक लेवल फॉर हाइड्रा हाइड्रा किस ट्रॉफिक लेवल पे आया था कल ही मैंने आपको बताया था ये yes. अगला क्वेश्चन आता है वॉट इज द ट्रॉफिक लेवल फॉर स्पैरो एंड इज द ट्रॉफिक लेवल फॉर मैन हु इज कंज्यूमिंग मिल्क जो बेटा क्या खाता है मिल्क पीता है ठीक है इन सबका ट्रॉफिक लेवल आपको बताना है इन सबका ट्रॉफिक लेवल बताना है यस हाइड्रा के लिए मैंने आपको बताया था हाइड्रा का ट्रॉफिक लेवल क्या होता है टी -3. अब चिड़िया चिड़िया के बारे में अगर तुम सोचोगे फिर चिड़िया एक समय पर क्या कहते हैं बीज भी तो खाती है तुम तो उसे दाने डालते हो जो आर बाजरा के हो खा जाती है चिड़िया ठीक है यानी कि सीड्स को कंज्यूम करती है सीड्स इज प्रोडक्ट ऑफ प्लांट और चिड़िया क्या खा सकती है इंसेक्ट भी खा सकती है अगर चिड़िया सीड को खा रही है तो यार वो किस लेवल पे पे एक्ट कर रही है टू पे, क्योंकि यारीड इज प्रोडक्ट ऑफ प्लांट वो वन पे आ जाएगा अगर चिड़िया बेटा इंसेक्ट को खा रही है तो किस ट्रॉफिक लेवल पे एक्ट कर रही है टी थ्री पे चलो मैन का बताओ मैन का बताइए यस बच्चों मैन का बता दो फटाफट से सब बच्चे बताएंगे मुझे मैन का हां जी मैन ऐसा जो कि मिल्क कंज्यूम कर रहा है तो तुम खुद सोच लो यार ये पौधे हैं ग्रास है ग्रास के ऊपर कैटल है कैटल से निकल रहा है मिल्क इस मिल्क को कौन कंज्यूम कर रहा है मैन तो थर्ड ट्रॉफिक लेवल हुआ ना कौन सा हुआ बेटा जी एक सेकेंड कौन सा हुआ बेटा जी कहाँ गया थर्ड ट्रॉफिक लेवल ठीक है टी थ्री पे आ रहा है बिल्कुल सही ओके सो विद द एनर्जी फ्लो मैं आपको बेटा यहाँ एनसीआरटी से दिखा देती हूँ हमने क्या क्या कर लिया है अभी हमने बेटा डीकम्पोजिशन पूरा कर लिया है वेयर वी हैउट डेट रिवोर्स फ्रैगमेंटेशन लीचिंग कैटाबॉलिज्म ह्यूमिफिकेशन मिनरलाइजेशन ह्यूमस के बारे में बात कर ली ये फैक्टर्स हैं बेटा कि कौन से फैक्टर्स डीकम्पोजिशन को प्रमोट करते हैं किससे बना हो तो डिकम्पोजिशन फास्ट होगी किससे स्लो होगी देन पार के बारे में बात की दो से दस परसेंट और एक से पांच परसेंट फर्स्ट लॉ के बारे में बात कर ली है एंड देन वी आर डन विद डी प्रोड्यूसर्स

देन स्टैंडिंग क्रॉप के बारे में बात करी एंड स्टैंडिंग स्टेट के बारे में बात करी हमने ठीक है बात करी ओके नेक्स्ट वी आर गोइंग टू मूव टुवर्ड्स इकोलॉजिकल पिरािड्स किस पे आने वाले हैं इकोलॉजिकल पिरािड्स पे आने वाले है. आ जाए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है यस इकोलॉजिकल पिरामिड्स क्या होते हैं बेटा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ग्राफ के तौर पे आप बताइए इकोलॉजिकल पैरामीटर्स जैसे नंबर किसका नंबर ज्यादा है प्रोड्यूसर का या टॉप कार्वोर का जैसे बायोमास या जैसे एनर्जी ठीक है नंबर बायोमास और एनर्जी ये तीन इकोलॉजिकल पैरामीटर्स हैं जिनका हम एक ग्राफिकल व्यू बनाएंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बनाएंगे रेडी है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बनाएंगे ये तुम बताओगे रिप्रेजेंटेशन बनाएंगे ऑफ वेरियस इकोलॉजिकल पैरामीटर्स इकोलॉजिकल पैरा मीटर्स ओके okay, जी यस yes. तो जनरली बेस पे अपने लोग किसको लिखते हैं प्रोड्यूसर को लिखते हैं देन इसके ऊपर किसको लिखेंगे हर को लिखेंगे एंड देन इसके ऊपर किसको लिखेंगे कार्निबोर को लिखेंगे ये आपको याद रखना है हमेशा याद रखना है बेस पर प्रोड्यूसर होगा वो बड़ा बेस भी हो सकता है छोटा भी हो सकता है देन हर होगा एंड देन क्या होगा कार्निबोर होगा तो सबसे पहले पिरामिड से अपने लोग स्टार्ट करते हैं द फर्स्ट पिरामिड दैट वी आर गोइंग टू स्टार्ट इज कॉल्ड एज पिरामिड ऑफ नंबर किससे स्टार्ट करेंगे बेटा पिरामिड ऑफ नंबर यस पिरामिड ऑफ नंबर हां जी आपके पास सबसे पहला इकोसिस्टम जो मैं ले रही हूं दैट इज ग्रासलैंड इकोसिस्टम कौन सा इकोसिस्टम ले रहे हैं बेटा जी ग्रासलैंड इकोसिस्टम मैं आपको बता देती हूँ इसमें क्या है ग्रास है हाँ जी आप मुझे बताएंगे कि किसका नंबर ज्यादा होगा ग्रास कंज्यूम्ड बाय रैबिट रैबिट ईटन बाय चेकाल एंड चेकाल ईटन बाय लायन हाँ जी बेटा बताओ किसका नंबर ज्यादा होता है एक फूड चेन के बारे में बात कर रहे हैं किसका नंबर ज्यादा होगा ग्रास का रैबिट का या फिर जैकॉल का या फिर लायन का एक फूड चेन में अगर हम देखें तो यार ग्रास सबसे ज्यादा नंबर की बात हो रही है ग्रास सबसे ज्यादा ब्रॉड बेस रैबिट उससे कम है देन जैकाल और लाइन तो एक ही होता है लाइन तो एक ही होता है यानी कि यहां पर जो पिरामिड बनेगा वो इस तरीके से बनेगा ये हो गया आपका रैबिट ये हो गया ग्रास देन रैबिट देन जैकाल एंड देन आपका क्या आएगा लायन तो यहां पर अपने प्रोड्यूसर आ जाएंगे यहां पर अपने क्या आ जाएंगे हर्बीवोर आ जाएंगे यहां पर कार्निवोर एंड यहां पर

हाँ जी बच्चों पॉन्ड इकोसिस्टम में स्टार्टिंग कहाँ से करोगे फाइटो प्लैंगटॉन देन जू प्लैंगटॉन छोटी मछली बड़ी मछली बड़ी मछली तो एक ही होती है फाइटो प्लैंगटॉन बहुत सारे होते हैं यानी कि यहां पर भी जो रिप्रेजेंटेशन रहेगी वो बिल्कुल इसी तरीके से रहेगी कि पहले फाइटो प्लैंगटॉन उससे कम जू प्लैंगटॉन देन छोटी मछली एंड बड़ी मछली यानी कि यहाँ का भी जो पिरामिड है वो कैसा हो गया अप राइट हो गया कैसा हो गया बच्चों अपराइट पिरामिड हो गया नंबर इज डिक्रीजिंग एज वी गो टू द नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल ठीक है नंबर जो है वो डिक्रीज हो रहा है अब आ जाइए अगले इकोसिस्टम में अगला इकोसिस्टम अपने लोग करेंगे ट्री इकोसिस्टम ट्री इकोसिस्टम कौन सा इकोसिस्टम कर रहे हैं अगला ट्री इकोसिस्टम अब ट्री में मैं आपको दो टाइप्स बताऊंगी ये ट्री में दो तरीके की फूड चेन चलती है एक प्रिडेटरी फूड चेन और पैरासिटिक फूड चेन प्रिडेटरी फूड चेन और एक पैरासिटिक फूड चेन दिख रहा है प्रिडेटरी फूड चेन एंड पैरासिटिक फूड चेन दो अलग अलग चलती है बेटा ट्री पे प्रिडेटरी की बात करें तो यार एक पेड़ है इस पेड़ के ऊपर बड़े सारे फ्रूट खाने वाले बर्ड है ठीक है एंड देन इनको खाने वाले हॉक है बर्ड को खाने वाला हॉक है प्रेडेशन हो रहा है ना प्रेडेटर प्रे को खा रहा है हॉक जो है वो बर्ड को खा रहा है बर्ड जो है वो फ्रूट को खा रहा है फ्रूट किस पे लगा हुआ है ट्री पे लगा हुआ है तो अगर मैं यहाँ पर देखू तो ट्री कितना है ट्री तो एक ही है यस बेटा ट्री तो क्या है एक है ठीक है ट्री के ऊपर बहुत सारे क्या है फ्रूट ईटिंग बर्ड्स हैं लेकिन हॉक तो एक ही है वो एक सारे बर्ड्स को खा जाएगा यानी कि यहां पर अगर मैं देखूं तो ये ट्री है ये अपने बर्ड्स हैं और ये अपना एक सिंगल हॉक है ये कैसा शेप है ये कैसा शेप है ऊपर से भी पतला नीचे से भी पतला इस शेप को क्या बोलते हो अन शेप है बट यहां पर अन शेप पिरामिड नहीं बोलेंगे यहां पर बोलेंगे स्पिंडल शेप पिरामिड कैसा शेप है इसका स्पिंडल शेप पिरामिड है ओके जी पिरामिड है नेक्स्ट आता है पैरासिटिक फूड चेन पैरासिटिक में क्या हो रहा है एक ट्री है चलिए एक ट्री है ट्री के ऊपर बहुत सारे बर्ड्स हैं ठीक है बर्ड्स फ्रूट ईटिंग बर्ड्स हैं और इन बर्ड्स के ऊपर बैक्टीरिया हैं ये करी तो थी ये अपने ने बनाई थी दिस इज पैरासिटिक फूड चेन ठीक है तो अपने पास एक ही ट्री है है ना भाई एक ही ट्री है प्रोड्यूसर है इसको ऐसे बनाते हैं एक ही ट्री है इस एक ट्री के ऊपर बहुत सारे बर्ड्स हैं और उन बर्ड से भी ज्यादा उसके ऊपर पैरासाइट है और उससे भी ज्यादा हाइपर पैरासाइट है तो भैया ये, ये सीन है ट्री है बर्ड्स उससे ज्यादा है उससे भी ज्यादा उनके बैक्टीरिया बर्ड्स के ऊपर बैक्टीरिया टेक्स लाइसिस यानी कि ये जो फूड चेन है ये कैसी है बेस जो है वो छोटा है छोटा है? है है ना इस फूड चेन को उल्टी है ना दिस इज कॉल्ड एज इनवर्टेड फूड चेन इसको क्या बोलते हैं इनवर्टेड ठीक है इनवर्टेड यानी कि जो पिरामिड ऑफ नंबर है वो कैसा भी हो सकता है पिरामिड ऑफ नंबर है वो कैसा भी हो सकता है पिरामिड ऑफ नंबर को हमने पर पहले क्या देखा अपराइट फिर हमने क्या देखा अपराइट फिर हमने कैसा देखा स्पिंडल शेप और फिर अपने ने कैसा देखा भी तो देख लिया पिरामिड ऑफ नंबर तो कैसा भी हो सकता है सब वेराइटी है इसमें वेराइटी पूरी है बेटा ठीक है नेक्स्ट आता है पिरामिड ऑफ बायोमास बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा डायरेक्ट क्वेश्चन आता है पॉन इको में कैसा है और इधर कैसा है तो आपको ध्यान रखना है इन सबको पिरामिड ऑफ बायोमास समझ आ रहा है ना बायोमास ठीक है आपको पता है स्टैंडिंग क्रॉप को हम कैसे मेजर करते हैं बाय काउंटिंग द नंबर ऑफ बायोमास बायोमास में ड्राई वेट आता है वेट वेट आता है ड्राई वेट इज मोर रेलेवेंट सबसे पहले आ जाते हैं ग्रासलैंड इकोसिस्टम ग्रासलैंड इकोसिस्टम ठीक है जी हाँ जी ग्रासलैंड इकोसिस्टम में बताओ वही फूड चेन ग्रास ग्रास ऑपर रैबिट आपका फ्रॉग स्नेक ईगल जी सबसे ज्यादा बायोमास किसका होगा बायोमास बेटा सबसे ज्यादा किसका होगा प्रोड्यूसर का होगा है ना तो यार प्रोड्यूसर का बेस ब्रॉड एंड देन हरबीवोर एंड देन आपका कार्निवोर ठीक है देन आपका कार्निवोर तो ये प्रोड्यूसर हर्बीवोर एंड कार्निवर कैसा पिरामिड हो गया इसका अपराइट कैसा पिरामिड हो गया अपराइड नेक्स्ट इकोसिस्टम पॉन्ड इकोसिस्टम हां जी आ जाइए पॉन्ड पे पॉन्ड इकोसिस्टम पे आ जाइए ओके okay, किसका बायोमास ज्यादा है बेटा पानी के अंदर याद रखना है फाइटो का बायोमास कम होता है और एक बड़ी शॉर्क वेल का बायोमास क्या होता है एक समय पर एक समय की बात करिए जा रही है ज्यादा होता है तो पिरामिड ऑफ बायोमास इन पॉन्ड इकोसिस्टम की जब अपने बात करेंगे तो यार फाइटोप्लांकटन का बायोमास सबसे कम देन ज़ूप्लांकटन देन छोटी मछली एंड देन आपकी बड़ी मछली यानी कि एट अ पर्टिकुलर टाइम एक समय पर ओवर द ईयर बात नहीं हो रही है एक समय पर इनका पिरामिड कैसा है इनका पिरामिड कैसा है इनवर्टेड इनवर्टेड देखिए बेटा अगर पूरे साल को देखेंगे लंबे समय तक देखेंगे तो तो अपरराइट ही है लेकिन एक समय पर देखेंगे तब बेटा कम फाइटो होते हैं जू ज्यादा होते हैं लार्ज फिश उससे भी ज्यादा बायोमास रखती है ठीक है जी सो इट इज एट अ पर्टिकुलर टाइम यहाँ पे कंडीशन है एट अ पर्टिकुलर टाइम ओके चलिए नेक्स्ट आ जाता है ट्री इकोसिस्टम में ठीक है ट्री इकोसिस्टम ट्री इकोसिस्टम ट्री इकोसिस्टम में देखेंगे तो यार कैसा होगा ग्रेजिंग फूड चेन अगर मैं देखूं तो सिंपली अपने पास ट्री का बायोमास सबसे ज्यादा है ये देख लीजिए ट्री का बायोमास सबसे ज्यादा है देन उसके ऊपर जो बर्ड्स हैं, एंड देन उसके ऊपर जो सिंगल हॉक है सो दिस इज ट्री बर्ड्स एंड देन हॉक दिस इज अपराइट पिरामिड अपराइट पिरामिड ओके okay. तो इसमें पॉन्ड वाले का क्या है उल्टा है याद रखना है पॉन्ड वाले का क्या है उल्टा है ओके okay, जी सो दिस इज अबाउट द पिरामिड ऑफ बायोमास याद रखने वाली बात यह है कि पॉन्ड इकोसिस्टम में एट अ पर्टिकुलर टाइम इट इज इन्वर्टेड बट ओवर द ईयर इट इज अपराइट अगर मैं बात करूं ओवर द ईयर इट इज अपराइट थक तो नहीं गए बेटा थक तो नहीं गए हैं बताना जरा यस yes, अभी तो एक ही घंटा हुआ है एक ही घंटा हुआ है स्पिंडल एनसीआरटी में नहीं है कोई बात नहीं रिया अब बिल्कुल ही एनसीआरटी छापने का तो मैंने वो नहीं ले रखा कि कसम नहीं खा रखी है जो एक्स्ट्रा जरूरी होगा वो मैं जरूर बताऊंगी बेटा आपको करना है करिए नहीं करना छोड़ दीजिए ठीक है जी मेरे से ये मत फाइट करिए कि ये आपने एक्स्ट्रा बता दिया बेटा आप ही की भलाई के लिए बताया मुझे क्या फायदा मिलेगा है मुझे क्या फायदा मिलेगा अगर एक वर्ड एनसीईआरटी से बाहर हो गया हम तो नहीं पढ़ेंगे ना 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 ये एटीट्यूड ले रखेंगे तो फिर 300 से ऊपर भी नहीं आएंगे क्योंकि उस चीज को समझने के लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा अगर आप कर भी लेंगे बेटा तो क्या हो जाएगा ठीक है क्या हो जाएगा आई रियली डोंट लाइक सच काइंड ऑफ कॉमेंट्स क्योंकि बेटा इससे आप अगर आपको एनसीईआरटी पढ़नी है फिर मेरी क्या जरूरत है एनसीईआरटी को समझने के लिए मेरी जरूरत है बेटा अगर उसको बिल्कुल रट्टा मारना तो यार किताब तो सबके पास है पीडीएफ है सॉफ्ट कॉपी है उससे पढ़िए है ना उससे बड़ी है ओके ओके चलिए अब आप जरा मुझे बताइए आपकी फिजिक्स और केमिस्ट्री की तैयारी कैसी चल रही है फिजिक्स और केमिस्ट्री की बेटा जी तैयारी कैसे चल रही है बताना जरा जिसको इलेवेंथ डिटेल में करनी है प्लीज मेरे लिंक ट्री से जाके करिए इलेवेंथ होगी यहां पर लेकिन फास्ट ट्रैक कोर्स के हिसाब से होगी बेटा तीन महीने बचे तीन साल नहीं बचे अगर आपको लगता है कि आप तीन साल के हिसाब से करना चाहते हैं आप लिंक ट्री से जाके करिए ओके okay, तीन साल नहीं बचे जितना जरूरी होगा वो हम कवर करेंगे लेकिन हर एक बच्चे के हिसाब से नहीं चल सकता है मैं कोशिश कर रही हूं लेकिन बेटा अगर आप बिल्कुल ही जीरो हैं आज तक नहीं पढ़ी है इलेवेंथ तो तो यार फिर डिटेल में लिंक ट्री से देखना पड़ेगा यस कैसी चल रही है तैयारी बताना जरा आई एम लुकिंग एट द कॉमेंट्स मैं आपको ना ऑप्शन देती हूँ बड़े मस्त ऑप्शन है मेरे पास हम्म जस्ट अ सेकेंड बताइए पोल में बताइए हां जी बेटा फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए है ये लिंक ट्री कहाँ मिलेगा बेटा गूगल पे मिलेगा गूगल से पूछिए सी पाउजा लिंक ट्री बस पहले लिंक पे क्लिक कर लेना है मजे ही मजे उसके बाद सी पाउजा लिंक ट्री गूगल से हाँ, क्या ये केमिस्ट्री और फिजिक्स ही हमें डुबोएगा ओहो ये कौन बोल रहे थे फिर मस्त वाले ये कौन बोल रहे थे पोल में तो कुछ और आंसर आ रहा है पोल में तो कुछ और आ रहा है हां जी बेटा मस्त सिर्फ छब्बीस परसेंट की है सुपर मस्त तो सिर्फ तेरह परसेंट की है ठीक है और ये केमिस्ट्री और फिजिक्स वाले डुबो के आएंगे ये इकसठ सिक्सटी वन परसेंट बेटा मैं आपको बता दूं अकेली बायो भी कुछ नहीं कर सकती है फिजिक्स और केमिस्ट्री के बिना आपकी कोई भी कैटेगरी हो एससी एसटी ओबीसी जनरल कोई भी कैटेगरी हो बेटा मुश्किल है सिलेक्शन ठीक है तो जितना समय आप बायो को देते हो उतना ही समय फिजिक्स केमिस्ट्री को भी जरूर जरूर दिया करो ऐसे बात नहीं बनेगी ठीक है ऐसे बात नहीं बनेगी ओके चलिए मेरी की हाँ अच्छा ये भी बड़े बहुत बच्चे पूछ रहे मेरी तैयारी कैसे चल रही है बेटा मेरी तैयारी तो मैं आपको रिजल्ट के बाद ही बताऊंगी मैं शेयर नहीं करती हूँ आई एम दैट वन होते ना कुछ टॉपर जो बताते नहीं है कि आप कितना पढ़ रहे हो मैं तो कुछ नहीं पढ़ती हूँ मैं थोड़ा कुछ पढ़ती हूँ ना 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 देखी जाएगी बट बेटा मेरा रिजल्ट बताएगा मेरा रिजल्ट बताएगा ठीक है हो सकता है मैं जीत जाऊँ यस yes. तो यार सिंपल सी एग्जाम्पल है एक पिरामिड है अभी हमने एनर्जी वाला रूल किया था टेन परसेंट रूल किया था आ जाओ इधर कहां किया था ये रहा टेन परसेंट लॉ टेन परसेंट लॉ के अकॉर्डिंग हमें पता है सबसे ज्यादा एनर्जी किसके पास होती है प्रोड्यूसर देन देन कार्निवोर सबसे कम किसके पास होती है टॉप टॉप कार्निवोर कार्निवोर यानी कि जो है है उसके पास सबसे कम प्रोड्यूसर के पास सबसे ज्यादा है तो इसका बेटा कैसा बनेगा सबसे बड़ा प्रोड्यूसर देन हरबीवोर देन कार्निवोर एंड देन आपका क्या बनेगा टॉप कार्निवोर यानी कि ग्रास के पास सबसे ज्यादा एनर्जी है रैबिट के पास उससे कम है चेकाल के पास उससे भी कम है और लाइन के पास उससे भी कम है क्योंकि सिर्फ कितना परसेंट एनर्जी ट्रांसफर होता है टेन परसेंट ही होता है तो चाहे कोई इकोसिस्टम हो ट्रीसिस्टम पॉन्ड है पॉंड है ग्रासलैंड ऑल इकोसिस्टम में इट विल ऑलवेज एंड ऑलवेज बी अपराइट अपराइट अच्छा तो यार यहां से जो ट्रांसफर हो रहा है दस परसेंट हो रहा है यहां से भी दस यहां से भी दस जरा ये ग्रास कितना है, परसेंट एनर्जी लेती है जैसे कि मैंने आपको बताया ग्रास कितना परसेंट एनर्जी लेती है वन टू फाइव परसेंट ऑफ द टोटल एंड टू टू टेन परसेंट ऑफ तो अगर यहां से आपको आ जाए क्वेश्चन तो तो आप इसका 1 करके आएंगे. ठीक है? तो कि अगर यहाँ पर दस हजार दिया हुआ है दस हजार का सिर्फ वन परसेंट ग्रास के पास और आगे टेन परसेंट टेन परसेंट टेन परसेंट टेन परसेंट ओके यस तो पिरामिड बहुत बढ़िया चीज है बट पिरामिड की एक कमी भी है कि फूड चेन नहीं आ फूड वेब नहीं आते इसमें फूड चेन तो आ जाती है सो व्हाट इज द ड्रॉबैक ऑफ पिरामिड ड्रॉबैक ऑफ पिरामिड ठीक है ड्रॉबैक ऑफ पिरामिड बड़े सारे हैं जैसे फूड चेन को फूड वेब को जगह नहीं दी फूड वेब को कोई जगह नहीं दी दूसरा बेटा को कोई जगह नहीं दी जबकि इतने इंपॉर्टेंट है डीकम्पोजर को कोई जगह नहीं दी और किसको कोई जगह नहीं दी बेचारे इंसेक्टिवोरस प्लांट्स इंसेक्टिवरिस प्लांट का कैसे पिरामिड बनाए वो तो टी वन पे भी है टी थ्री पे भी है ठीक है तो ये कुछ बेटा आपके ड्रॉबैक्स हैं ऑफ द फूड इकोलॉजिकल पिरामिड्स इकोलॉजिकल पिरामिड्स ठीक है जी सो विद विद दिस वी आर डन द इकोलॉजिकल पिरामिड हमने इकोलॉजिकल पिरामिड कर लिया है नेक्स्ट अपने लोग चलेंगे न्यूट्रिय साइक्लिंग एंड इकोलॉजिकल सक्सेशन चले न्यूट्रिय साइक्लिंग बहुत बेसिक है अब छोटा सा टॉपिक रहता है न्यूट्रिएंट साइकलिंग हां जी बेटा न्यूट्रिएंट्स बेटा आपके दो चीजों से हम पढ़ सकते हैं कि जो एलिमेंट्स हमारी बॉडी बिल्डिंग के लिए हमें चाहिए कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन फॉस्फोरस ये सब हमें कहां से मिल रहे हैं तो धरती से मिल रहे हैं या फिर क्या मिल रहे हैं पानी से मिल रहे हैं ठीक है जी पानी से मिल रहे हैं इन न्यूट्रिएंट साइकिलिंग में हमने दो तरीके के साइकिल्स करने हैं बायोजियो केमिकल साइकिल करने हैं मी जस्ट ओपन इट ये पिरामिड हो गया लेट मी ओपन साइकल्स बड़ा ही आसान है यस बेटा न्यूट्रिएंट साइकिलिंग में किस किस की बात कर रहे हैं इधर बेटा फोकस करना फोकस करना सो so, यार द अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स सच एज कार्बन नाइट्रोजन फॉस्फोरस कैल्शियम प्रेजेंट इन सॉइल एट एनी गिवन टाइम इज स्टैंडिंग स्टेट मैंने आपको बताया था स्टैंडिंग स्टेट क्या होता है इनऑर्गेनिक मैटर होता है क्या होता है इनऑर्गेनिक भैया ये इनऑर्गेनिक ही है ऑर्गेनिक मैटर तो नहीं है ठीक है इट वेरीज इन डिफरेंट इकोसिस्टमिशिएट इज न्यूट्रियोसिस्टम राधर दे आर रीसाइक टाइम एंड अगेन ये कार्बन हाइड्रोजन फॉस्फरस कभी खत्म थोड़ा होंगे ये तो बेटा एक चीज से दूसरी चीज में जाते हैं कभी हमारे में आ गए फिर धरती में चले गए फिर किसी और में चले गए फिर प्लांट में चले गए यानी कि इनकी री होती रहती है ये जो मूवमेंट है की थ्रू वेरियस कॉम्पोनेट्स इट इज कॉल्ड एज न्यूट्रिय साइकिलिंग और इन्हीं साइकिल्स को अपने बोलते हैं बायो केमिकल साइकिल्स क्या बोलते हैं बायो जियो केमिकल साइकिल बायो क्यू क्योंकि हमारे अंदर जाते हैं जियो क्यू क्योंकि रॉक एयर वॉटर इन सब के बीच में इनका साइकिलिंग होता रहता है दो

एन कार्बन साइकिल हाइड्रोजन साइकिल ऑक्सीजन साइकिल नाइट्रोजन साइकिल रॉक यानी कि यानी कि लिथोस्फियर एग्जाम्पल में फॉस्फोरस साइकिल सल्फर आयरन ये सब क्या हो जाएंगे आपके सेडिमेंट्री वाले बायोजियो केमिकल साइकिल हो जाएंगे ठीक है अब सबसे इंपॉर्टेंट साइकिल जो देखो नाइट्रोजन साइकिल तो अपने मिनरल न्यूट्रिशन में कर लेते हैं प्लांट फिजियो में कर लेते हैं बात किसकी आती है बेटा आपके कार्बन साइकिल की किसकी आती है कार्बन साइकिल की तो यार मैं कार्बन साइकिल का इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां लिख देती हूँ उसको फिर हम वहां से देख लेंगे आसान है बहुत बेसिक बेटा ये ना मेरे ख्याल से नाइन्थ क्लास में भी है, है कि नहीं है ना बच्चों शायद नाइन्थ क्लास में भी है कार्बन जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है तुमको पता है क्यों इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारा ड्राई वेट बनाता है हमारे अंदर कितना सारा कार्बन है शुगर में है डीएनए में है प्रोटीन में हर जगह कार्बन ही कार्बन है यानी कि एक ऑर्गेनिज्म का 49 नाइन परसेंट ड्राईवेट बनाने के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है कार्बन पानी से अगला नंबर अगर बॉडी में किसी का आएगा तो किसका आएगा कार्बन का आएगा कार्बन इज इंपोर्टेंट कॉम्पोनेट ऑफ फैट फैटी एसिड कार्बन तो हो होगा तो ही हो होगा इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेट ऑफ प्रोटीन प्रोटीन में सीओ एन एच बॉन्ड पेप्टाइड सी सी तो होगा ही होगा ठीक है, अल्फा कार्बन है उसमें। लिए प्रोटीन ओनली। हर में बेटा कार्बन घुसा हुआ है हर चीज में कार्बन घुसा हुआ है अगर बात करें कि यार कार्बन साइकिल का कार्बन का सोर्स क्या है कहां से कार्बन लोगे तो यार पहला सोर्स एटमोस्फेयर से ले लोगे सीओ टू की फॉर्म में ठीक है एटमोसफेयर से ले लिया ग्रेफाइट यानी कि रॉक से लिया तुमने कार्बोनेट रॉक्स ठीक है ग्रेफाइट हो गया सोर्स अदर कार्बोनेटेड रॉक्स हो गई फ्यूल से भी कार्बन निकलता है देन बेटा ओशंस में भी क्या होता है कार्बन होता है ठीक है यस अब सवाल आता है इन सब में इन सब में कार्बन सबसे ज्यादा कहां है सबसे ज्यादा कहां है तो तुम बोलोगे मैक्सिमम कार्बन जो है मैक्सिमम कार्बन जो है वो किसमें है ओशंस में है ठीक है ओशंस में डिजोल्ड इन सेवेंटी वन परसेंट इज एक्चुअली डिजोल्ड इन ओशंस ओके जी डिजोल्ड इन ओशंस याद रहेगा पानी में सबसे ज्यादा है पानी के बाद आता है एटमोसफेयर एटमोसफेयर के बाद आती है तुम्हारी रॉक तुम्हारा लिथॉस्फेयर तो पानी एटमोसफेयर एंड देन आती है रॉक याद करिए अभी यस अभी. Yes, याद करिए फटाफट फड़ से याद करें याद हो गया सबसे ज्यादा ओशन देन आपका एटमोसफियर एंड देन आपका रॉक हां जी कार्बन साइकिल में अगर हम देखें तो कार्बन कैसे यूटिलाइज़ होता है यूज कैसे करते हो और फिर रिटर्न कैसे करते हो यूटिलाइजेशन एंड देन रिटर्न एडिशन अगर बात करें यूटिलाइजेशन की भैया कार्बन कौन यूज कर रहे हैं पौधे फॉर फोटोसिंथेसिस ठीक है यस और रिटर्न कैसे कर रहे हैं रेस्पिरेशन रेस्पिरेशन डीकम्पोजिशन डी कॉम्पोजिशन वॉल कैन ए करप्शन इससे भी रिटर्न कर रहे हो फिलूल बर्न करते हो बर्निंग ऑफ फ्यूल्स उससे भी सीयू टू पहुंचती है ठीक है वेदरिंग ऑफ रॉक रॉक वेदरिंग इस तरीके से तुम तो रिटर्न कर रहे हो ओके okay, जी बेसिकली बेटा हर साइकिल में आपको ये पता होना चाहिए कि यूज कैसे हो रहा है और रिटर्न कैसे हो रहा है ठीक है अब मैं आपको यहां से फोटो दिखा देती हूं ओके okay, फोटो नहीं है हमारे पास ये बेटा ऐसे दिया हुआ है बहुत कॉम्प्लेक्स फॉर्म में दिया हुआ बट मैं आपको सिंप्लीफाइड फॉर्म में बता रही हूँ देखिए ये प्लांट जो है प्लांट ने क्या किया कार्बन को यूज किया एंड देन क्या करी फोटोसिंथेसिस करी क्या करी फोटोसिंथेसिस ये देखो इधर से आ रहा है कार्बोनेटेड रॉक्स के अंदर इधर से आ रहा है बेटा पौधे के अंदर ठीक है ये लोग क्या कर रहे हैं फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं एंड अल्टीमेटली बेटा यहां से रिटर्न हो रहा है वाया रेस्पिरेशन वाया डीकम्पोजिशन वाया बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल वाया कंबशन ऑफ फॉसिल फ्यूल से अपन लोग क्या कर रहे हैं रिटर्न कर रहे हैं ओके okay जी बहुत बातें कर रही हो वैसे तुम रिया बहुत ज्यादा बातें कर रही हो बताओ कार्बन साइकिल क्लियर हो गया कार्बन साइकिल क्लियर हो गया नेक्स्ट अपने चलते हैं फॉस्फोरस साइकिल पर ये सेडिमेंट्री साइकिल है मुझे ना बहुत अजीब लग रहा है इस चीज का आंसर देते हुए क्या कह रही हैं एक पहले रिया गोस्वामी थी और एक है रिया लखेरा मैम आप वाईटी पर लिंकेज और पेडिग्री भी करवा दो देखिए बेटा मैंने लिंकेज डिटेल में स्पेशल क्लास में कराया था वो फ्री क्लास है क्या आपसे नहीं खुल पा रही है आप नहीं देख पा रहे हो अगर नहीं समझ आ रहा है वहां से नहीं मिल रही है क्लास तो लिंक ट्री पर भी करवाया हुआ है पहले वहां से जाके देख लीजिए अब जो चीज़ हो चुकी है उसको बेटा हम दोबारा नहीं करेंगे टॉकिंग अबाउट पेडिग्री पेडिग्री आप यूट्यूब पे डालिए पेडिग्री एनालिसिस बाय सी पाउजा आपको मेरा सेशन मिल जाएगा डिटेल में करना है तो यार स्पेशल क्लास और लिंक ट्री नहीं तो वो पाँच मिनट वाला सेशन भी वहां से कर लीजिए जब एक चीज फ्री ऑफ कॉस्ट करा दी so है वाई आर यू सो कंसर्न अबाउट की कहाँ कराइए स्पेशल पे कराई है YouTube पे पर क्या फर्क पड़ता है बेटा उससे है क्या फर्क पड़ता है वो भी तो आप खोल सकते हो कोई पैसे चार्ज नहीं हो रहे उसके मतलब आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड अबाउट द डिमांड्स दैट यू मेक समटाइम्स है ना बहुत अजीब डिमांड्स है बेटा आपकी हाँ जी फॉस्फोरस साइकिल की बात करें इट इज एन इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेट ऑफ में सेल मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड लेयर बाई ना मेम्ब्रेन बनती है इसी से बेटा न्यूक्लिक एसिड डीएनए आरएनए एन बॉन्ड होता है ना देन इट इज ए सेकेंड मोस्ट क्रिटिकल कंपोनेंट सेकेंड मोस्ट क्रिटिकल कॉम्पोनेंट आप जानते हैं बेटा एन पी के पी आ रहा है ना फॉस्फोरस आ रहा है कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके दांतों में, में, में है ठीक है आपके शेल्स में है बोन्स में है बोन्स आपकी फॉस्फोरस से ही इतनी तगड़ी स्ट्रांग होती जा रही है ठीक है यस सो दिस इज द इम्पोर्टेंट इंपॉर्टेंस ऑफ फॉस्फोरस इसको पढ़ने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अब आ जाते हैं बेटा फॉस्फोरस साइकिल पे जो मैं आपको यहाँ से समझाती हूँ यहाँ से समझाती हूँ हाँ जी बेटा अब कोई और प्रोड्यूसर है यहां से शुरू करते हैं प्रोड्यूसर प्रोड्यूसर को कौन खा रहे हैं कंज्यूमर कंज्यूमर और प्रोड्यूसर दोनों की डेथ होगी कि नहीं होगी दोनों मरेंगे ठीक है दोनों मरेंगे लेटर यानी कि जो प्रोड्यूसर मरा कंज्यूमर यानी कि एनिमल मरेंगे तो डेट्रेटिस बनेगा डेट्रेटिस अल्टीमेटली क्या हो रही है डीकम्पोजिशन हो रही है डीकोज करने के बाद बैक्टीरिया और फंजाई सारा सामान किस में रिलीज कर देंगे सॉइल में रिलीज कर देंगे किस में रिलीज कर देंगे में रिलीज कर देंगे इसी सॉइल में यानी कि तुम्हारी बॉडी के अंदर जो किस है वो अल्टीमेटली पहुंच पहुंच गया गया डेथ के के बाद के अंदर पहुंच गया. फिर बेटा उस को प्रोड्यूसर दोबारा यूज कर लेंगे ठीक है एक तो ये तरीका है दूसरा बेटा आपके जो रॉक्स के अंदर फॉस्फोरस दबा हुआ है उसकी क्या हो जाएगी वेदरिंग हो जाएगी और वेदरिंग के बाद वो वापस से किस में आ जाएगा सॉइल में आ जाएगा तो यार सॉयल से ही तुम्हारी बॉडी के अंदर गया था ये देखिए इस रस्ते से गया था एंड सोइल में ही तुमने उसको क्या कर दिया डेथ के बाद रिलीज कर दिया दिस इज अ मैनर इन विच फास्फोरस इज सर्कुलेटेड सर्कुलेटेड ठीक है जी क्लियर हो गया यानी कि अपने लोग फास्फोरस को ना यूज ज्यादा कर रहे हैं अपटेक जो है वो ज्यादा है अपटेक जो है जो वो ज्यादा है और रिप्लेनिशमेंट क्या है थोड़ा सा कम है इसीलिए रिजर्वयर पूल का अपने को इसमें यूज करना पड़ता है ओके okay, का यूज करना पड़ता है सो दिस इज़ द ऑफ़ फास्फोरस साइकिल अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बेटा मैं दोनों में कंपैरिज़न कर रही हूँ किस में कंपैरिजन कर रही हूँ कार्बन साइकिल और फॉस्फोरस साइकिल में ध्यान देना यस सो कार्बन साइकिल एंड फॉस्फोरस साइकिल देखिए याद रखेंगे कार्बन तुम जितना यूज करते हो उतना ही रिटर्न कर देते हो जितना आपने एटमॉस्फेयर से लिया उतना ही आपने एटमॉस्फेयर को दे दिया यानी कि बहुत बढ़िया साइकिल है परफेक्ट साइकिल है दिस इज अ परफेक्ट साइकिल लेकिन फॉस्फोरस साइकिल की बात करें आप यूज ज्यादा कर रहे हो सॉइल से आपकी बॉडी में ज्यादा है लेकिन उतना रिटर्न नहीं दे रहे यानी कि ये कैसा साइकिल है इम परफेक्ट साइकिल है याद रखना है कैसा साइकिल है इम्परफेक्ट साइकिल ओके ओके। फॉस्फरस आप ज्यादा यूज़ करते हो, तो रिटर्न नहीं करते लेकिन कार्बन में जितना यूज कर रहे, उतना ही तो वापस दे, दे रहे हो सो लास्ट टॉपिक ऑफ दिस इकोलॉजिकल सक्सेशन बड़ा ही आसान बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है करें सब बच्चे रेडी हैं एक बड़ी सेशन को लाइक करके बताओ यार फटाफट पड़ से अगले पंद्रह मिनट लगेंगे चैप्टर कल बेटा इसी चैप्टर का मैं टेस्ट लूंगी कल मैं इसी चैप्टर का टेस्ट लूंगी स्पेशल में आज तो फुल सिलेबस टेस्ट है क्योंकि आज आप इतनी जल्दी प्रिपेयर नहीं कर सकते उसको आप पूरी प्रिपरेशन के बाद कल मुझे टेस्ट देंगे इको सिस्टम का उसका लिंक भी आपको मेरे टेलीग्राम पर मिल जाएगा ठीक है टेलीग्राम पर मिल जाएगा ओके साथ साथ लर्न करो बेटा मैं आपको इस तरीके से पढ़ा रही हूं कि साथ साथ आपके एनसीईआरटी भी रिवाइज हो रही है साथ साथ आप फटाफट से मेरे साथ साथ लर्न करते जाइए इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या है कि मान लीजिए एक बंजर जमीन है उस बंजर जमीन पर किस तरीके से अल्टीमेटली एक फॉरेस्ट बन गया जीव जंतु आ गए उसका जब हम सीक्वेंस में स्टडी करते हैं कि पहले आया उसके बाद ये आया उसके बाद ये आया दैट इज कॉल्ड एज इकोलॉजिकल सक्सेशन यानी कि एक ग्रेजुअल चेंज है एंड प्रेडिक्टेबल चेंज है कि पहले ये स्पीशी आए होंगे फिर ये स्पीशी आए होंगे इसमें बेटा हम पूरा सीक्वेंस समझेंगे यानी कि सिक्वेंशियल प्रोसेस है अगेन प्रिडिक्टेबल है एंड इट इज पैरल विद एनवायरमेंट जैसे जैसे एनवायरनमेंट चेंज होगा आप नोटिस करेंगे वैसे वैसे स्पीशी भी चेंज होते जा रहे हैं एंड बड़ा ही स्लो प्रोसेस है ऐसे नहीं है बंजर जमीन पर अचानक से फॉरेस्ट एक साल में बन जाएगा मिलियंस ऑफ ईयर लग जाते हैं स्लो स्लो प्रोसेस प्रोसेस है 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 ठीक जब भी बेटा कोई भी बंजर जमीन होती है उस पर जो पहले नंबर पे कम्युनिटी आती है उसको बोलते हैं पाइनियर कम्युनिटी यस पहले नंबर पे जो कम्युनिटी आती है उसको आप क्या बोलते हैं पाइनियर कम्युनिटी पाइनियर का वैसे इंग्लिश में भी मतलब होता है फर्स्ट नंबर जो फर्स्ट नंबर पे आएगा देन बेटा पाइनियर के बाद पाइनियर विल बी टेकन ओवर बाय अदर कम्युनिटीज जो सेकेंड नंबर पे आ रही है थर्ड नंबर पर आ रही है ये जो सेकेंड थर्ड स्टेज आ रही है इसको अपने लोग बोलते हैं सीरल कम्युनिटी यस यस क्या बोलते हैं बेटा जी सीरल कम्युनिटी सीरल यानी कि जो बीच में ट्रांजिशन आ रहा है सेकेंड थर्ड ट्रांजिशनल कम्युनिटी भी बोलते हैं ट्रांजिशनल कम्युनिटी ओके जी तो पहले पाइनियर फिर सेकेंड थर्ड फोर्थ कितनी भी हो वो सीरल और फिर अंत में एक स्टेबल से कम्युनिटी आ जाएगी जो हमेशा वहां पर रहेगी और उस लास्ट वाली कम्युनिटी को बोला जाता है बताओ बेटा मूवी का अंत क्या होता है जो बड़ा इंटरेस्टिंग होता है मूवी का अंत होता है क्लाइमेक्स तो यहाँ पर भी जो आखिरी कम्युनिटी है वो कौन सी होगी

ये नई टर्मिनोलॉजी है जो पहली बार पढ़ रहे हैं जो रिवाइज कर रहे हैं उनके लिए आसान है अब यार ये सक्सेशन कहीं भी हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द बेसिस ऑफ हैबिटेट भैया लैंड पे भी हो सकता है पानी में भी हो सकता है यानी कि सूखे एरिया में भी हो सकता है ड्राई एरिया में भी हो सकता है और बेटा जी वेट एरिया में भी हो सकता है है ना कहीं भी एनवायरनमेंट चेंज होता है तो स्पीशी चेंज होते हैं ये जो ड्राई एरिया पे सक्सेशन होता है इसको अपने लोग बोलते हैं जी क्या बोलते हैं बच्चों इसको 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 बोला जाता है ठीक है ठीक जो पानी के अंदर होगा इसको अपने लोग क्या बोल देंगे हाइड्रार्क यस बच्चों क्या बोल देंगे हाइड्रार्क जीरार्क एंड हाइड्रार्क ठीक है अब इस जीरार्क आगे दो तरीके का है आगे बेटा जी ये दो तरीके का है या तो ये रॉक पर हो रहा है या फिर कहां पर हो रहा है सैंड पर हो रहा है अगर बेटा जी रॉक पर हो रहा है तो इसको बोलेंगे लिथोसियर लिथोसियर और अगर ये सैंड पर हो रहा है इसको बोलेंगे सामोसियर ठीक है पी से स्टार्ट होगा सामोसियर ओके हाँ जी नाम बेटा डायरेक्ट आएंगे याद कर लीजिए फटाफट से सो टाइप्स अगर ड्राई एरिया

फिर बेटा बिल्कुल खाली हो गया देन तुम वहां पर सक्सेशन स्टार्ट हो रहा है यानी कि डिपेंडिंग अपॉन वेदर अर्लियर कुछ था या नहीं था या जीरो से शुरू कर रहे हो तो दो तरीके के सक्सेशन हो सकते हैं टाइप्स बताने लगी दो तरीके के एक और क्लासिफिकेशन है वन इज कॉल्ड प्राइमरी सक्सेशन सेकेंड वन इज कॉल्ड सेकेंडरी सक्सेशन प्राइमरी सक्सेशन को बेटा जी पेरीयर भी बोलते हैं क्या बोलते हैं पेरी सीयर भी बोलते हैं अगर सेकेंडरी सक्सेशन की बात करें सक्सेशन इसको बेटा सब सीयर भी बोलते हैं सब सीयर भी बोलते हैं ओके okay जी प्राइमरी सक्सेशन वो होता है ऐसा एरिया जहां पर आज तक कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म कभी भी नहीं था कभी भी नहीं था सो हेयर देयर वॉज नो लिविंग ऑर्गेनिज्म ever existed आज तक बेटा वहां पर कोई नहीं था यानी कि वो बंजर रॉक थी बेयर रॉक थी आज से पहले वहां कुछ भी नहीं था ठीक है कुछ भी नहीं था या फिर ऐसा एरिया था जहां पर कभी ज्वालामुखी फटा था अब वो ठंडा हो चुका है कूल वॉलकैनिक लावा ठीक है या फिर कोई नया बना हुआ न्यूली क्रिएटेड पॉन्ड अगर इन जगहों पर इन जगहों पर सक्सेशन शुरू हो कि पहले लाइकन आ रहे मॉस आ रहे ये सब आ रहा है तो यार उस सक्सेशन को क्या बोलेंगे प्राइमरी सक्सेशन मतलब आज तक जहां पर कुछ नहीं था ये मामला थोड़ा सा स्लो होगा ऑब्वियसली बात है ये वाला सक्सेशन क्या होगा कंपैरेटिवली स्लो होगा सेकेंडरी सक्सेशन क्या होगा बेटा यहाँ पर कभी बहुत सालों पहले एक कोई बायोटिक कम्युनिटी होती थी सो इट इज द एरिया वेयर बायोटिक कम्युनिटी एग्जिस्टेड बायोटिक कम्युनिटी एग्जिस्टेड बट फिर उसको बंजर छोड़ दिया गया कभी होती थी बट आज नहीं है इसका एग्जांपल क्या रहेगा जैसे बेटा एबैंडनड लैंड किसी ने अपना फार्म लैंड एबैंडन कर लिया आज वहां पर कुछ नहीं है ऐसा फॉरेस्ट जिसका डीफॉरेस्टेशन हो चुका है कट फॉरेस्ट ठीक है यस एंड फ्लडेड लैंड ये कौन है भैया दिल की बौचार करने वाला हाँ भैया बिल्कुल ओपी हैं मैंने कब मना किया यार मिस्टर ओपी रंटी ओपी रेंटी कह रहे हैं सर ओपी बिल्कुल यार सर ओपी ह्यूज रिस्पेक्ट बट यार सर ओपी होते तो तुम यहाँ क्या कर रहे होते सर ओपी होते मेरे लिए तो हैं लेकिन अगर तुम्हारे लिए होते तो तुम यहाँ नजर नहीं आते ठीक है जी तुम यहाँ नजर नहीं आते तो ये तो दिलों की बौछार है वो मैं समझ रही हूँ मेरे लिए क्योंकि जहाँ होता है देखो भैया अपना फ्री में टाइम एक आदमी वहीं इन्वेस्ट करता है फ्री में बेटा एक एंजाइम एंजाइम कह रहे एक आदमी अपना टाइम फ्री ऑफ कॉस्ट वही इन्वेस्ट करता है जहां से मजा आ रहा है है ना बेटा पैसे लगा के तो तुम्हारा जबरदस्ती है उसको देखना ये तो मुफ्त है ये तो फ्री का सेशन है तो अगर तुम यहाँ आए तुमने इतनी मेहनत करी लिखने की और भेजने की फिर कॉपी करने की फिर पेस्ट करने की कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट, पेस्ट। भैया ऐसे कोई फ्री में नहीं आता चीजें ओपी होती है तभी आता है ठीक है सर तो ओपी है ही है बट तुम्हारा यहाँ होना दिखाता है हम भी कम नहीं है हम भी ओपी है, है कि नहीं बच्चों बच्चो? क्योंकि कोई बेटा अपना टाइम कोई भी ऐसी जगह नहीं लगाता जहां पे जाकर सिर्फ कॉपी पेस्ट करते हैं तुम्हारा टाइम इतना वेला है क्या है? तुम यहां हो दैट मीन्स तुम्हें समझ आता है तुम्हें समझ आता है वहां से भी आता है यहां से भी आता है दोनों ओपी है ना दोनों ओपी ठीक है क्या नाम था उस बच्चे का बच्चे का नाम भूल गई मैं एवरी टीचर इज बेस्ट बेटा ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर एवरी वन एवरी वन इन इन दिस इंडस्ट्री इज डूइंग लॉट फॉर यू वर्किंग हार्ड फॉर यू प्रोवाइडिंग फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन टू यू फ्री ऑफ कॉस्ट है तीन तो हजार तो देना पड़ता है, तो है, है, तो है? Really है तो वो मुझे लग रहा है जा के यही करते इस क्लास में वो ओपी उस क्लास में ये ओपी बेटा तुम ओपी बनो टीचर को तो जो बनना था वो बन चुके हैं सर को भी जो बनना था बन लिया मैंने भी बनना था बन लिया अब तुम्हारा समय है तुम अगर जा जाके फ्री में कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट करोगे तो भैया तुम्हारा नाम डॉक्टर ओ पी बन जाएगा ठीक है और ओ पी डॉक्टरों के पास पेशेंट नहीं आते पेशेंट ओपी देख के नहीं आते पेशेंट डिग्री देख के आते कहाँ से एमबीबीएस करी कहाँ से एमडी करी एम्स मैमसी इसी को दिखाऊंगा ठीक है तुमको कौन दिखाएगा क्योंकि आप तो लिख देंगे पेशेंट ओपी दवाई ओ पी चलो ले लो दवाई खुद से है ना दवाई ओपी करेंगे ठीक है चलिए सो दिस इज फास्ट क्योंकि यहां पर सॉयल ऑलरेडी बन चुकी थी आपका 50 परसेंट काम ऑलरेडी हो चुका है यहां पर जो सक्सेशन आएगा वो कंपैरेटिवली प्राइमरी से क्या होगा फास्ट होगा है ना बच्चों चलिए स्टेजेस किस में ज्यादा होंगी खुद सोचिए बेटा ये जो प्राइमरी वाला है इसमें स्टेज ज्यादा होंगी क्योंकि बिल्कुल बेस से शुरू करना है अभी वहां कुछ नहीं है इसमें स्टेजेस क्या होंगे कंपैरेटिवली कम होंगी चलिए एग्जांपल कर लेते हैं जिरार्क सक्सेशन की किसकी एग्जांपल कर लेते हैं जिरार्क की कोई सद्बुद्धि दे बेटा इस ओपी रैंटी को मेरी तरफ से मैं विश करती हूँ बेटा कि तुम्हें किसी से समझ आए पर समझ आए और तुम एक डॉक्टर बनो कल को एक साल बाद भी दो साल बाद भी बेटा टीचरों की क्लास में जाके ओपी ओपी कॉपी पेस्ट मत करो ठीक है कुछ करो जिंदगी में ये काम ऐसा नहीं है जिसको तुम अपनी लिविंग बना सकते हो पैसा कमा सकते हो ओपी लिख के नहीं कमा सकते ओपी बनना पड़ता है है ना बनना पड़ता है जैसे सर बने हैं जैसे हम बने हैं वैसे तुम भी बनो ठीक है तब जिंदगी का अच्छा यूज होगा यस तब जिंदगी का अच्छा यूज होगा क्या गए चले गए चले गए बेटा वो या है अभी ओहो चले गए होंगे डर गए थोड़ा सा हां जी चलिए जिरार्क सक्सेशन के बारे में बात करते हैं अच्छा ओ पी जी हैं तो कहीं और ओपी लिखने गए हैं ओके ओके यस यस नाम ही ओ पी है।, है ना चलिए बेटा जेरार्क सक्सेशन सक्सेशन बेटा जेरार्क वो होगा जो ड्राई एरिया में होगा सबसे पहले हम बात करेंगे लिथोस्फेयर की तो सबसे पहले तुम्हारे पास क्या है बेयर रॉक है तुमने शुरुआत कहाँ से की बेयर रॉक से की ठीक है एक बंजर जमीन है इस बंजर जमीन पर सबसे पहली कम्युनिटी जो आएगी उस कम्युनिटी का नाम होता है पायोनियर कम्युनिटी उस कम्युनिटी का क्या होता है पाइनियर कम्युनिटी ठीक है पाइनियर कम्युनिटी बेटा यहां पर कौन सी आएगी लाइकन आएंगे याद रखना है पाई...

मल्टीप्लीकेशन मल्टीप्लाई बड़ी फास्ट करते हैं तो यार ये चीज इनको बेनिफिट करती है और धीरे धीरे लाइक ना अपनी बॉडी से कुछ वीक एसिड्स रिलीज करते हैं जिससे जो रॉक है वो क्रोड होती है अल्टीमेटली बेटा रॉक को तोड़ के ना बनानी बनाने सॉइल के ऊपर पौधे लगाने हैं ये काम करना है तो मल्टीप्लीकेशन फास्ट है ये लोग कुछ वीक एसिड रिलीज करेंगे एसिड को रिलीज करेंगे जिससे बेटा रॉक क्या होगी क्रोड होगी रॉक क्या होगी बेटा जी क्रोड होगी क्रोजन ऑफ रॉक होगा एंड अल्टीमेटली जब क्रोजन ऑफ रॉक होगा तभी तो क्या बनेगी सॉइल बनेगी तो अपने ने बंजर जमीन से पत्थर से क्या बनानी है सॉइल बनानी है वहां पर सबसे पहले जो सर्वाइव कर सकते हैं ठीक है कर सकते हैं जिनके पास दो मेन कॉम्पोनेंट्स हैं जिनकी वजह से ये बंजर जमीन पर भी जिंदा रहते हैं वही ये कॉम्पोनेंट है बेटा फास्ट मल्टीप्लीकेशन एंड द रिलीज ऑफ वीक एसिड जिसकी वजह से सर्वाइव करते हैं धीरे धीरे उस रॉक को पत्थर को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं सॉयल में कन्वर्ट कर रहे हैं देन बात करते हैं सीरियल स्टेजेस अब जो सेकेंड कम्युनिटी आएगी यस सेकेंड कम्युनिटी जो आएगी वो कौन सी आएगी मॉस की स्टेज की आएगी लाइकन के बाद कौन आया ये ऑर्डर याद करिएगा बेटा मॉसिस आए मॉसिस जो है वो कम सॉइल पे सरवाइव कर सकती है क्योंकि यार उनके पास रूट लाइक -like स्ट्रक्चर होता है दैट इज राइजॉइड ठीक है सो कैन सरवाइव इन लेस सॉइल अभी सॉइल बनी है लेकिन कम बनी है ठीक है यस yes. अब क्या हुआ कि अब जिस जमीन पे लाइकन थी इमेजिन करो बेटा ये जमीन है इस पे पहले लाइकन आई अब लाइकन से अल्टीमेटली क्या आ गई मॉस आ गई अब तो यार लड़ाई शुरू हो जाएगी लाइकन इज गोइंग टू कंपीट विद कंपीट विद मॉस कौन जीतेगा आप कौन जीतेगा मॉस जीत जाएगी लाइकन हार जाएंगे तो अल्टीमेटली अल्टीमेटली बेटा इट वॉज गोइंग टू कंपीट विद लाइकन एंड लाइकन हार जाएगी मॉस विल विन मॉस विल विन एंड अल्टीमेटली एवरी वेयर एवरी वेयर देअर विल नाउ बी मॉस अब लाइकन होंगी नहीं अब क्या होंगी आपकी मॉस मॉस ही होंगी यानी कि एक कम्युनिटी को दूसरी कम्युनिटी ने रिप्लेस कर दिया रिप्लेस कर दिया ठीक है इस सक्सेशन में पुरानी कम्युनिटी को एलिमिनेट कर दिया गया और पूरी नई कम्युनिटी आके छा गई यानी कि एनवायरमेंट के चेंज होने के हिसाब से कम्युनिटीज भी क्या होती जाती है ऑटोजेनिक सक्सेशन इस क्या बोलते हैं बच्चों ऑटोजेनिक सक्सेशन ठीक है जी यस yes. क्लियर हो गया अब यार मोसिस जो है ना वो हरे रंग की पूरी चादर बिछा देगी ठीक है पूरे रॉक को कवर कर लेंगे ऐसा लग रहा है गीला गीला पन होता है उसमें ऐसा लग रहा है हरे रंग का पूरा चादर फैल चुका है गीला पन आ चुका है काई सी जम चुकी है इनकी जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है वो बड़ी हाई है सो so, इनकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी हाई है पानी को रोक के रखेगा जिसकी वजह से अगेन क्या प्रमोट होगी सॉइल फॉर्मेशन होगी तो कुछ कुछ सॉइल तो लाइकन बना गए थे बचे हुई सॉइल बेटा कौन बना रहे हैं मॉस बना रहे हैं अब जब सॉइल प्रॉपरली बन जाएगी इसके बाद जो थर्ड कम्युनिटी आएगी थर्ड कम्युनिटी अब ग्रासेस आएंगी थर्ड कम्युनिटी में आपकी एनुअल ग्रासेस आएंगे कौन से आएंगे एनुअल क्योंकि अब अपने पास प्रॉपर सॉइल धीरे धीरे बन रही है इनके पास प्रॉपर असली वाली रूट्स है मॉस के पास तो राइजॉइड्स थे रूट लाइक -like थे इनके पास प्रॉपर रूट्स हैं इनके रूट्स बेटा पेनिट्रेट करेंगे पेनिट्रेट रूट्स दे आर गोइंग टू पेनिट्रेट डीप ठीक है तीन से चार महीने वाली जिनका लाइफ साइकिल होता है दैट इज एनुअल ग्रास बेटे ये आएगी रूट्स भी पेनिट्रेट करेंगे और सॉइल बनाएंगे रूट्स जाएंगे रॉक को तोड़ेंगे और सॉइल बनेगी मोर सॉइल प्रोडक्शन जितना ज्यादा सॉइल बनेगा उतनी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ेगी पानी का कंटेंट भी बढ़ेगा है ना पानी का कंटेंट बढ़ेगा और उस जगह पर उस सॉइल में ऑर्गेनिक मैटर भी क्या होगा इंक्रीज होगा ठीक है तो पहले आई एनुअल ग्रास जो कुछ महीने तक रहेगी अब धीरे धीरे पेरिनियल पर आ जाएंगे सो द फोर्थ कम्युनिटी इज गोइंग टू बी पेरिनियल पेरिनियल ग्रासेस ग्रासेस ठीक है देन धीरे धीरे ग्रास ऊपर बेटा श्रब स्टेज आ जाएगी फिफ्थ कम्युनिटी इज गोइंग टू बी श्रब्स यस इट इज गोइंग टू बी श्रब स्टेज एंड श्रब स्टेज के बाद बेटा कौन आ जाएगा वहां पर क्लाइमेक्स में बिल्कुल अंत में अंत में कौन आ जाएगा आपकी फॉरेस्ट ठीक है फॉरेस्ट ठीक है फॉरेस्ट में क्या होगा इट इज द मोस्ट स्टेबल कम्युनिटी अब इसके बाद इसका खात्मा नहीं होएगा ये ऐसे मेंटेन रहेगा इट इज मोस्ट स्टेबल वन इसमें क्या होंगे मेनली होंगे ट्री स्पीशीज इट इज डोमिनेटेड बाय ट्री स्पीशीज अब ज्यादा पॉपुलेशन साइज में फ्लक्चुएशन नहीं होगा जो पॉपुलेशन वहां आ चुकी है फॉरेस्ट की वही वहां पर रहेगी तो कम्युनिटीज एक बार फटाफट से याद करो पाइनियर कौन सी थी बहुत बारी सवाल आता है पाइनियर थी आपकी लाइकस लाइकेन्स के बाद कौन आए मॉसेस मॉसेस के बाद छोटी एनुअल ग्रासेस और एनुअल ग्रासेस पेरिनियल ग्रासेस श्रब्स एंड अल्टीमेटली आपके फॉरेस्ट ठीक है जी तो अगर कोई पूछेगा ज़िरार्क में क्लाइमेक्स कौन है तुम बोलोगे फॉरेस्ट ज़िरार्क में पाइनियर कौन है तुम बोलोगे लाइकेन्स ठीक है जैसे-जैसे जैसे-जैसे बेटा जी अपने पायनियर से क्लाइमेक्स की तरफ जाते हैं जो निश स्पेशलाइजेशन है जो निश स्पेशलाइजेशन है वो बढ़ता है तो मैं लिख रही हूं कि क्या क्या चेंज आते हैं एज वी मूव फ्रॉम पाइनियर पाइनियर से जैसे जैसे क्लाइमेक्स की तरफ जाते हैं तो क्या क्या चीजें होती हैं एक तो यार नी स्पेशलाइजेशन हो जाती है ठीक है स्पेशलाइजेशन जो है वो बढ़ती है स्पीशी की डाइवर्सिटी भी क्या होती है बढ़ती है पहले अकेला लाइकन था पूरा फॉरेस्ट बन चुका है स्पीशी की डाइवर्सिटी भी क्या होती है बढ़ती है कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी या कम होगी खुद सोचो जो स्ट्रक्चर में कॉम्प्लेक्सिटी है पहले लाइकन का कितना सिंपल स्ट्रक्चर है फिर इतना बड़ा पेड़ पौधा बन गया पूरी एनाटॉमी मॉर्फोलॉजी का चैप्टर बन गया उस पर यह भी क्या होती है आपकी बढ़ती है ठीक है जी ये yes, बढ़ती है सो विद दिस वी आर डन विद सक्सेशन अब यार पानी क्या के सक्सेशन के बारे में बात करते हैं जिसमें शुरुआत हम बंजर जमीन से नहीं कर रहे ड्राई एरिया से कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड एज हाइड्रार्क हाइड्रार्क सक्सेशन सक्सेशन बेटा ये सारे नोट्स मेरे टेलीग्राम पर मिलेंगे ठीक है जो वेट एरिया में होगा हाइड्रोसियर ठीक है वेट एरिया में जो होगा सबसे पहले यहां पर जो पाइनियर है तुम खुद बताओ यार पानी में कौन रहेगा पानी में जो रहते हैं प्लैंकटॉन्स रहते हैं कौन रहते हैं प्लैंकटॉन्स रहते हैं सो फर्स्ट द वॉटर बॉडी पाइनियर के बारे में बात करूं। पाइनियर में तो आपके पास प्लैंकटॉन्स रहेंगे? रहेंगे कौन कौन से प्लैंकटॉन जू प्लैंगटोन एंड फाइटो प्लैंकटॉन ठीक है जी पहले पानी में कौन थे फाइटो प्लैंकटॉन भी थे और उस पर सर्वाइव करने वाले जू प्लैंकटॉन भी थे फिर बेटा अल्टीमेटली इन दोनों का क्या हुआ खात्मा हुआ अगर ये दोनों मरेंगे तो इनका जितना भी ऑर्गेनिक मैटर है वो नीचे बॉटम पे डिपॉजिट हो जाएगा बच्चों, समझो? ये दोनों मरेंगे तो इन दोनों का जितना भी ऑर्गेनिक मैटर है इनकी हुई डेथ देन इनसे निकला ऑर्गेनिक मैटर डेड बॉडी में होता है ना वो बेटा कहां पर जाकर बस जाएगा बॉटम पे बिल्कुल लैंड के बॉटम पे आ जाएगा ठीक है जी अब मतलब ऐसा दिखाई देगा कि कुछ प्लांट्स ना सबमर्ज हो गए स्मॉल साइज सबमर्ज प्लांट्स आ चुके हैं देन देन आते हैं आते नेक्स्ट स्टेज पर अपने सेकेंड कम्युनिटी सेकेंड कम्युनिटी सेकेंड कम्युनिटी में क्या हुआ कि ये जो प्लांटॉन्स थे वो नीचे गए तो यार अब जो स्टेज आएगी इसको बोलते हैं सबमर्ज प्लांट स्टेज पानी के अंदर प्लांट स्टेज सबमर्ज प्लांट स्टेज ठीक है जी यानी कि पानी के अंदर अंदर अब छोटे छोटे प्लांट्स आ रहे हैं इनकी भी डेथ होगी अगेन इनको ऑर्गेनिक मैटर भी डिपॉजिट होगा सबको मारना है बेटा एक कम्युनिटी दूसरे को रिप्लेस कर रही है दे विल विल डाई अगेन ऑर्गेनिक मैटर बी एडेड टू द बॉटम ठीक है धीरे धीरे ह्यूमस बढ़ रहा है ध्यान दो बेटा ह्यूमस का कॉन्टेंट है वो बढ़ता जा रहा है मिनरल्स जो है वो लैंड में क्या होते जा रहे हैं बढ़ते जा रहे हैं नेक्स्ट कम्युनिटी को सपोर्ट करने के लिए देन आती है थर्ड कम्युनिटी अब जो कम्युनिटी आई है ये सबमर्ज प्लांट्स है लेकिन फ्री फ्लोटिंग है ठीक है नेक्स्ट आ जाएगी सबमर्ज स्टेज अभी भी है प्रॉपर पानी के अंदर है लेकिन फ्री फ्री फ्लोटिंग फ्लोटिंग है है ठीक है फ्री फ्लोटिंग है यानी कि अब जो वाटर बॉडी थी ये देखो ये मान लीजिए आपकी वाटर बॉडी थी इसके अंदर सब मरी जा रहे हैं है ना पहले प्लैंकटॉन मरे फिर बेटा सबमर्ज प्लांट्स मरे अल्टीमेटली बेटा ये भी मरेंगे तो जो पानी है वो शैलो होता जा रहा है अब उतनी डेप्थ नहीं बची है अब बेटा उतनी डेप्थ नहीं बची है ठीक है जी सब फ्री फ्लोटिंग स्टेज में हमने नोटिस किया कि जब ये भी डाई करेंगे जब ये भी मरेंगे तो वॉटर का जो लेवल है वो राइज करता जाएगा पॉन्ड शैलो होता जाएगा पॉन्ड जो है वो अब गहरा नहीं रहा वो कैसा हो गया है बेटा जी शैलो हो गया है यस बेटा शैलो हो गया है ओके जी पता चल गया अब ये आपकी वाटर सम सम प्लांट्स इनसाइड वाटर देख रहे हो कि अब इतना शैलो हो गया कि कुछ प्लांट आउटसाइड हो गए कुछ प्लांट्स क्या है बेटा इन हो गए हैं इस इन प्लांट्स को ये एम्फीबियस प्लांट्स है बाहर भी है और अंदर भी है इन प्लांट्स को हम बोलते हैं रीड प्लांट्स ठीक है अब कैसी स्टेज आई अब ऐसी स्टेज आई जिसमें ऐसे प्लांट्स आ गए कि कुछ प्लांट्स पानी के अंदर है और कुछ प्लांट्स क्या है पानी के बाहर है ये एम्फीबियस प्लांट्स है ठीक है एम्फीबियस प्लांट्स है इनको बोलते हैं रीड प्लांट्स और इसी के नाम पर अपनी अगली स्टेज है कौन सी फोर्थ थी ना दैट इज रीड स्वम्प स्टेज रीड स्वम्प स्टेज ठीक है कि जो पौंड है वो शैलो होता गया है वो बेटा ऐसे बिल्कुल शैलो हो गया है और उस पर बेटा पानी अब याँ याँ पर प्लांट्स आ गए यहां पर भी हैं और कुछ यहाँ पर एम्फीबियस इज रीड स्टेज इट इज ऑफ एम्फीबियस प्लांट्स एम्फीबियस प्लांट्स ठीक है amphibious plants. Amphibious plants, जिनका आधा पार्ट पानी के अंदर होता है और आधा पार्ट क्या होता है आउटसाइड हाफ पार्ट इनसाइड हाफ पार्ट इन साइड एंड हाफ पार्ट आउटसाइड ठीक है जी यस yes? पॉन्ड इनके मरने से और ज्यादा शैलो होता जाएगा गहराई कम होती जाएगी मार्शी एरिया आ जाएगा ठीक है मार्शी कंडीशन डेवलप हो जाएंगी जैसे दल दल टाइप तुमने देखा ना मार्शी एरिया तो जो फिफ्थ स्टेज अपनी आएगी वो मार्श मेडो स्टेज ही है मार्श मेडो स्टेज है ठीक है यानी कि पानी के अंदर अब हार्ड ग्रास ग्रो करनी शुरू हो चुकी है सेज मेडो स्टेज अब बेटा पानी धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है उस पर ग्रासेस आने लग गई हैं एंड अल्टीमेटली तुमको वहां पर श्रब्स दिखाई देंगे पानी और शालो हो गया गायब हो रहा है क्लाइमेक्स क्लाइमेक्स बेटा अल्टीमेटली उस जगह पर भी क्या आ जाएगा फॉरेस्ट आ जाएगा तुम देख रहे हो यहां पानी से भी अपने ने क्या बना दिया फॉरेस्ट बना दिया गहराई को धीरे धीरे कम करते हुए गहराई को बेटा धीरे धीरे कम करते हुए तो फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं फटाफट से बेटा जी रिवाइज कर लेते हैं ये जो हाइड्रार्क है हाइड्रार्क है शुरुआत कहां से हुई शुरुआत कहां से हुई शुरुआत अपने ने करी प्लैंकटॉन से फाइटो प्लैंकटॉन ये क्या है पायोनियर प्लैंकटॉन के बाद पानी के अंदर धसे हुए सबमर्ज प्लांट्स सबमर्ज प्लांट्स आए देन सबमर्ज फ्री फ्लोटिंग आए सबमर्ज ही आए लेकिन फ्री फ्लोटिंग आए उसके बाद कौन आए रीड स्वम्ब एम्फीबियस ठीक है रीड स्वॉम्ब फिर मार्शी स्टेज आई मार्श मेडो स्टेज ठीक है देन स्क्रब स्टेज आई एंड अल्टीमेटली कौन आ गया है फॉरेस्ट आ गया है फॉरेस्ट इज द क्लाइमेक्स आर द पायोनियर पायोनियर याद आएगा याद रहेगा okay जी आर्क एंड ओके जी यस चलिए जब बेटा ये सक्सेशन हो रहा था कोई भी सक्सेशन हो क्या क्या चेंजेस आते हैं इको इकोसिस्टम में कोई बदलाव आता है बिल्कुल यार स्पीशी कॉम्पोजिशन चेंज हो गई पहले ये रहते थे अब ये रहते हैं फिर ये रहेंगे फिर ये रहेंगे यानी कि क्या क्या चेंजेस आते हैं विद सक्सेशन आप बोलोगे स्पीशी की कॉम्पोजिशन ही चेंज हो जाती है पहले कोई और स्पीशी था फिर बेटा कोई और स्पीशी है बायोडाइवर्सिटी घटती है या बढ़ती है तुम बोलोगे जो बायोडाइवर्सिटी है वो तो बढ़ती है ना फॉरेस्ट में ज्यादा वेराइटी है और नीचे प्लैंगटॉन में कम वेराइटी है ऑब्वियसली ह्यूमस का कॉन्टेंट बढ़ता है में या फिर घटता है पहले तो सॉइल थी नहीं बेयर रॉक थी धीरे धीरे करके हम ह्यूमस जो है वो ऐड करना शुरू होता हैं क्योंकि ह्यूमस इज पार्शियली डिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर कोई मरेगा तभी तो ह्यूमस होगा जैसे आगे जाएंगे लोग मरेंगे डिकम्पोजिशन होगी तो ह्यूमस बढ़ेगा नेक्स्ट आ जाता है टोटल बायोमास टोटल बायोमास बढ़ेगा या कम होगा तो बोलोगे बायोमास भी बढ़ेगा अब अगर मैं कंपेयर करूं पायोनियर और क्लाइमेक्स कम्युनिटी को क्लाइमेक्स कम्युनिटी को तो यार पाइनियर जो है वो स्मॉल साइज की होती है है ना स्मॉल साइज की कम्युनिटी है इसके बच्चे ज्यादा होंगे ग्रोथ रेट क्या होगा फास्ट होगा इसी वजह से पाइनियर में डोमिनेशन कौन से स्पीशीज की है आर स्पीशीज की है लेकिन क्लाइमेक्स में बड़े बड़े पौधे आ जाएंगे फॉरेस्ट देखो लार्ज ट्रीज आ जाते हैं लार्ज साइज आता है और ग्रोथ अल्टीमेटली बड़े ऑर्गेनिज्म की क्या हो जाती है स्लो हो जाती है तो यहां पर जो स्पीशी आएंगे डोमिनेट करेंगे वो कौन से करेंगे के स्पीशी करेंगे ओके जी याद रहेगा चलिए सो यहां पर अपना चैप्टर क्या होता है समाप्त होता है एक चीज पैसों वाली चीज बेटा बात करनी थी बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी थी आखिरी पे आ जाओ यस मूव ऑन टू इकोसिस्टम सर्विसेज़ इकोसिस्टम से जो अपने को फायदे मिलते हैं उसको अपने लोग बोलते हैं इकोसिस्टम सर्विसेज ठीक है जी इकोसिस्टम क्या क्या कर रहा है एयर को प्योरीफाई कर रहा है आपको ड्रॉट से बचा रहा है फ्लड से न्यूट्रिय की साइकिलिंग हो रही है स्टोरेज मिल रहा है साइट मिल रहा है है ना सुंदर भी दिखता है अगर पेड़ पौधे लगे हों कल्चरल एस्पेक्ट भी है आस्थेटिक आस्पेक्ट भी है फिर यार बात आई कि यार इतनी सारी सर्विसेज अपने को इकोसिस्टम से मिलती हैं जब तुम होटल जाते हो बेटा होटल में तुमको अगर बहुत बढ़िया होटल हो तो वैले पार्किंग मिलता है, है ना गाड़ी भी आपकी पार्क करने के लिए बंदा आता है फिर अंदर तुम्हारा सामान लेने के लिए बेल आती है वो जो यू नो एक बेल उसको बोलते हैं बेटा जिसमें सामान लेके जाते हैं एक बड़ा सा यू कैन से अमूवेबल स्ट्रक्चर जिसको धक्का मार के रेड़ी टाइप का जिसमें सामान लेके जाते हैं फिर बेटा वहाँ पर तुम्हें वेलकम ड्रिंक्स मिलती हैं ये भी सर्विस है फिर दिखाया जाता है सर आपका ये रूम है ठीक है इट्स ऑन दिस फ्लोर वी आर कमिंग विद यू देन दे कम शो यू हाउ टू ओपन एंड देन दे टेक यू इनसाइड फिर बोलते हैं कि हमारी तरफ से आपको ये चीज कॉम्प्लीमेंट्री है दो पानी की बोतलें रोज मिलेंगी फिर बेटा ब्रेकफास्ट कॉम्प्लीमेंट्री आप कभी भी कॉल करो अच्छा मैं ब्रश लाना भूल गया ब्रश दे दो मैं टावल लाना भूल गया ये दे दो यानी कि डोर टू डोर सर्विस है क्या ये सर्विस मुफ्त है बताओ जब आप होटल में जाते हैं आपको इतनी सर्विसेज मिल रही है हॉस्पिटल में जाते हैं सर्विसेज मिलती है मुफ्त है नहीं है ना मुफ्त वैसे ही कह रहे हैं कि भैया है, इकोसिस्टम में इतना सर्विस मिल रहा है क्या ये मुफ्त है क्या ये मुफ्त है मुफ्त नहीं है बेटा इसका प्राइस टैग लगाए तो बहुत महंगा पड़ेगा इस पे अगर प्राइस लगा नहीं जाए तो किसने लगाया रॉबर्ट कॉन्स्टेंजा ने लगाया बहुत इंपॉर्टेंट नाम है एंड इस कॉलीग्स हैव रिसेंटली ट्राइड टू पुट प्राइस टैग्स ऑन द नेचर लाइफ सपोर्ट सर्विसेज इन्होंने बोला कि जो तुम नेचर से फ्री में बैठ के फायदे ले रहे हो एयर में ऑक्सीजन आ रहा है तुम्हारे यहाँ प्रॉपर ड्रॉट्स भी नहीं हो रही है सूखा नहीं पड़ रहा है फ्लड नहीं हो रही है सब इको की वजह से है पैसे लगते हैं बेटा इसके अगर इसके पैसे लगाए जाए तो उन्होंने प्राइस टैक कितना लगाया बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा एक क्वेश्चन आ सकता है आपका यूएस डॉलर्स थर्टी थ्री ट्रिलियन ईयर ऑन दीज फंडामेंटल सर्विसेज तो टोटल प्राइस टैग बेटा थर्टी थ्री ट्रिलियन ना मिलियन ना बिलियन ना ट्रिलियन यूएस डॉलर्स डॉलर पहले लगता है यार यस यूएस डॉलर थर्टी थ्री ट्रिलियन आपको एज इट इज क्वेश्चन आ सकता है ठीक है इसने प्राइस टैग लगाया विच इज लार्जली टेकन फॉर ग्रांटेड बिकॉज दे आर फ्री हम नहीं सोचते बट एक्चुअली बेटा इस पर प्राइस टैग लगाया जाए थर्टी थ्री ट्रिलियन डॉलर बनेगा दिस इज नियरली ट्वाइस द वैल्यू ऑफ ग्लोबल क्रॉस नेशनल प्रोडक्ट मतलब ये जो है ये ट्वाइस द वैल्यू है जी एन पी के मल्टीप्लाई 18 18 करेंगे ऑलमोस्ट इतना ही आएगा आउट ऑफ द टोटल कॉस्ट इसमें से थर्टी थ्री ट्रिलियन में से जो फिफ्टी परसेंट है वो किसको दे दें हम सॉइल को दे दो ठीक फिफ्टी परसेंट सॉइल को दे दो लेस टेन परसेंट किसको दोगे रिक्रिएशन लेस टेन परसेंट किसको दोगे तो लाइक रिक्रिएशन द कॉस्ट ऑफ क्लाइमेटिक रेगुलेशन आर अबाउट सिक्स परसेंट यस बेटा यस सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वेरी 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 इंपॉर्टेंट जी टोटल कॉस्ट कितनी है टोटल कॉस्ट कितनी है थर्टी थ्री ट्रिलियन यूएस डॉलर विच इज ट्वाइस एटीन ट्रिलियन यूएस डॉलर जो कि पूरे विश्व की ग्लोबल ग्रॉस आपकी जीएनपी है जिसमें से वो कह रहे हैं फिफ्टी परसेंट एरिया कॉन्ट्रीब्यूशन किसका है सॉइल का है लेस देन टेन परसेंट बेटा न्यूट्रिय साइक्लिंग याद रखना ये एज इट इज आपको डेटा आएगा लेस देन टेन परसेंट रिक्रिएशन रिक्रिएशन सिक्स परसेंट अप्रोक्सीमेटली वाइल्ड लाइफ वाइल्ड लाइफ का कॉन्ट्रीब्यूशन और क्लाइमेटिक रेगुलेशन का कंट्रीब्यूशन है तो जो चीजें तुम मुफ्त में समझ रहे हो वो मुफ्त नहीं है जो चीजें मुफ्त मुफ्त में समझ रहे हो मुफ्त नहीं है अगर उनपे प्राइस लग जाए तो बेटा इतना का तुमको कॉस्ट पड़ेगा तो इसीलिए इकोसिस्टम जो कर रहा है हमारे लिए उसको ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए बहुत सारी चीजें बेटा बेनिफिट के तौर पर हमें मिल रही है वी शुड रिस्पेक्ट इट ठीक है वी शुड रिस्पेक्टेड हाँ इस इस टॉपिक को एनसीआर से हटा दो क्योंकि बहुत महंगा लग रहा है हाँ बेटा आप जो नेचर के लिए करते हैं सोच समझ कर किया करिए और जो नेचुरल रिसोर्सेज है उनको वेस्ट भी मत करा कीजिए ठीक है तो नाम याद रखना है प्राइस टैग किसने लगाया रॉबर्ट कॉन्स्टानजा ने कितना लगाया थर्टी थ्री ट्रिलियन यूएस डॉलर विच इज ट्वाइस एटीन जो कि आपकी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्टिविटी है ओके मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन किसका है soil का ये सब क्वेश्चन में आएगा कल जब मैं टेस्ट लूंगी ये सब आपके क्वेश्चन में आएगा रॉबर्ट जी ने लगाया रॉबर्ट कॉन्स्टेंटा कॉन्स्टेंटा ग्लोबल जीएनपी का ट्वाइस है ग्लोबल जीएनपी 18 ट्रिलियन है वो 33 ट्रिलियन है है ना आपसे पूछा जा सकता है विच सर्विस हैज मैक्सिमम प्राइस टैग तुम बोलोगे सोइल 50% से ज्यादा सोइल के पास जाता है ओके सो विद दिस बच्चों वी आर डन विद इकोसिस्टम इको जो है बेटा जी वो आपका डन हो चुका है ओके सो सेशन सबको समझ आ गया तो फटाफट से लाइक कर दो नेचर इज प्राइसलेस हाँ ये क्या लिख रहे हो बेटा अश्विनी कॉन्स्टेंजा है पता नहीं क्या नाम लिख दिया कॉन्स्टेंजा पता नहीं क्या लिख दिया बेटा समरी खुद पढ़ेंगे समरी भी पढ़ा दो क्वेश्चन भी करा दो आपको ये भी बोल दो भाई पेपर भी दे आओ ठीक है पेपर भी आप ही दे आओ मेरा दे आओ ठीक है हाँ मैं फिजिक्स केमिस्ट्री कर लेता हूँ आप बायो दे आओ सब करा दो बेटा मैं कोशिश कर रही हूँ सब कराने की तभी हमें समय लग रहा है हम हर चीज डिटेल में कर रहे हैं ताकि हर बच्चे को समझ आए कल बायोडाइवर्सिटी शुरू करके खत्म करना है और परसों पोल्यूशन करना है ताकि हम मॉर्फो एनाटॉमी अन, अन, पर पहुंच पाए ठीक है यस yes! ये कौन सा डे मना रहे हैप्पी रोज डे आज रोज डे ओ माई गॉड आज तो यार मुझे पता ही नहीं था ये सब चीजें तो बच्चों की चीजें हो गई हैं ओह लेट मी चेक तुम सच बोल रहे हो कि नहीं बोल रहे हो ओहो बेटा ये जो इधर एक दूसरे को विश कर रहे हो ना क्लास के बाद कर लेना और मैं बता दू जो बच्चे पूरा हफ्ता मनाएंगे आज रोज डे आज डे ठीक है जो बच्चे इस वीक को मनाएंगे वो बच्चे मुझे लगता है नीट की सेलिब्रेशन को नहीं मना पाएंगे ठीक है जो बच्चे इस वीक को मनाएंगे वो नीट की सेलिब्रेशन कैसे कर पाएंगे बेटा उनका ध्यान तो इधर ही लगा हुआ है उनका ध्यान तो इधर ही लगा हुआ है ठीक है कहने को है बट बेटा फोकस फोकस शुड बी ऑन नीट बेटा कल मैंने फिजिक्स की डीपीपी भेजी है क्रैश कोर्स में उससे पहले केमिस्ट्री की भेजी थी सब तो भेज रही हूँ इतने सवाल कर लिए है उसमें पता नहीं पता कितने सवाल थे केमिस्ट्री डीपीपीज है 400 600 प्लस क्वेश्चंस फिजिक्स है एवरी डीपीपी हैज 100 प्लस क्वेश्चन हैव यू सॉल्वड दैट ठीक है तो आज मैं पहले बताना था यार हम शुरुआत इस इमेज से करते हैं बट कोई बात नहीं हम एंडिंग इस इमेज से कर रहे हैं सो so, वैसे तो आपको मनाना नहीं ठीक है रोज डे है रोज बेटा एक बहुत ब्यूटीफुल फ्लावर है तो फ्लावर डे एक तरीके से एंड योर फोकस शुड भी आज आपके क्या गोल्स हैं आज आपका गोल ये नहीं होना चाहिए कि रोज पे अच्छे से अच्छा यू you नो know, वो निकाल के देखे जाऊँ आज आपका गोल होना चाहिए कि यार किस तरीके से सिलेबस पूरा होगा ये सात दिन जिसने वेस्ट करे उसके आने वाले तीन महीने वेस्ट हो जाएंगे ठीक है तो फोकस ऑन स्टडीज आपका इकोलॉजी खत्म हो गया मॉर्फ मॉर्फो एनाटॉमी करना है मुझे लग रहा है मुझे चौदह तारीख को ही मॉर्फोलॉजी कराना चाहिए दैट इज द बेस्ट दैट इज आई बिलीव बेस्ट बेस्ट टिप कब आ रहा है चौदह तारीख हाँ अगले ट्यूसडे को मुझे लग रहा है मैं आपसे मिलूंगी और मॉर्फोलॉजी कराऊंगी आपको तुम्हें यही पढ़ना है ना हाँ उसी दिन कराऊंगी जो सबसे बुरा लगता है ओके okay. तो अगर रियल त्योहार मनाने है ना मेरा डॉक्टर बनना पड़ेगा एक बार एमबीबीएस में एडमिशन ले लो बेटा हर साल मनाना एक के साथ मनाना दस के साथ मनाना जो मनाए वो करना बट इस स्टेज पर आपका अगर, अगर अटेंशन कहीं भी गलती से भी डिवाइड हुआ तो यार आने वाले सारे रोज़ डे खराब हो जाएंगे फिर बेटा ब्लैक डे मनाओगे तुम रेड की जगह ओके चलिए सो विद विद दिस वी आर डन पोर्शन बाकी आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी मुझे देनी थी एक मिनट रुके बेटा बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि यार आपका जो ऑफर है एक नया ऑफर आया बेटा आज इतने बड़े दिन के उपलक्ष्य में हमें तो पता भी नहीं था बाय चांस हमने रिलीज किया है दैट देयर इज 40% ऑफ ऑन 3 मंथ्स एंड थ्री मंथ्स प्लस एंड आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू जो बच्चे प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं जिसमें आप हमारा हर कोर्स अटेंड कर पाएंगे चाहे वो सिंपल क्रैश कोर्स हो रिविजन हो थ्यूरी uh, कोर्स हो बड़ा लॉन्ग टर्म कोर्स हो शॉर्ट टर्म कोर्स हो थ्री मंथ्स का कोर्स आप ले सकते हैं अभी उस पर फोर्टी परसेंट ऑफ चल रहा है एंड दिस इज गोइंग टू विद प्राइस कोड आप क्या यूज करेंगे हर जगह सीप्लाइज अब मैं आपसे मिलूंगी शाम को पांच बजे कितने बजे मिलूंगी शाम को पांच बजे लिंक जो है वो यहाँ पर पेंड है कोई बच्चा उस क्लास को मिस नहीं करेगा आज तो इतना खास दिन है यार आज तो कैसे मिस कर सकते हो है ना ठीक है मैं आपको अभी पीडीएफ टेलीग्राम पर भेज देती हूँ सो एवरी वन सेशन अच्छा लगा तो लाइक like करें एंड शेयर करें अपने सारे दोस्तों के साथ एंड एक कमेंट जरूर छोड़ के जाना क्योंकि कल हम बायोडावर्सिटी और परसों पोल्यूशन से एक खत्म करने वाले हैं ओके okay जी चलिए बाय बाय एवरीवन टेक केयर